ये वाली एक्सरसाइज और इसके आने वाली एक्सरसाइज जो है सभी की सभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में फोकस करती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब आपको इंटीग्रेशन तो करना ही है और साथ में कैलकुलेशन भी करनी है है ना इंटीग्रेशन में कुछ डेफिनेट लिमिट लगा दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन करिए वन से लेके टू थ्री से लेके फोर टू से लेके टेन फाइव से लेके स तो एक लिमिट अप्लाई कर दिया जाएगा तो विद इन द लिमिट उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी वो आपको बतानी है तो हम जब लिमिट के अंदर रहते हुए इंटीग्रेशन

तो मान लेते हैं कि आपने इंटीग्रेशन करा एफ एक्स डी एक्स का ठीक है इन डेफिनेट के अकॉर्डिंग अगर आपने इंटीग्रेशन करा है तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल निकल के आया ठीक है भाई क्या निकल कर आया इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स निकल कर आया विदाउट टेकिंग द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है जो फाइनल आंसर बनकर आया वो अपने पास में एफ कैपिटल एक्स निकल कर आया ठीक है भाई अब अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो वहां पे इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन इन द लिमिट करना है ए से लेके बी लिमिट ए से स्टार्ट हो रही है बी पे फिनिश हो रही है तो लिमिट ए से बी इंटीग्रेट करना है किसको तो सेम एफ एक्स डी एक्स को ठीक है भाई सेम एफ एक्स डीएक्स को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर क्या होगा देखो आपने इंटीग्रेशन करा हुआ है इंटीग्रेशन का आंसर ये है तो इस वाले इंटीग्रेशन में बड़ी वाली लिमिट ठीक है कैपिटल में बड़े वाला वैल्यू सब्सिट्यूट करो और कैपिटल एफ में ही ये छोटे वाला वैल्यू वैल्यूट करो दोनों को माइनस कर दो दिस इज नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है भाई इसे बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन करना है सिंपल एक्स पावर टू का ठीक है x पावर टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर थ्री डिवाइड आएगा विदाउट टेकिंग द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें नहीं कंसिडर करते ठीक है तो ये हमने इंटीग्रेशन करा अब क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई टू से लेकर के थ्री लिमिट का इंटीग्रेशन करिए एक्स पावर टू का ठीक है भाई से लेके थ्री लिमिट का इंटीग्रेशन करिए पावर का तो आपको मालूम है एक्स पावर टू का इंटीग्रेशन ये है एक्स पावर थ्री बाई थ्री है तो आपको क्या करना है, x 3 3 में बड़े वाला है. तो थ्री पावर थ्री के डिनोमिनेटर में थ्री छोटे वाला वैल्यू सब्सिट्यूट करना है टू पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री दोनों को माइनस करना है तो थ्री पावर थ्री होता है ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई थ्री सेम टू पावर थ्री एट है डिवाइड बाई थ्री 27 और 8 माइनस करेंगे तो 19 डिवाइड बाय 3 दिस इज द आंसर ठीक है भाई ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा तो जो मैंने यहाँ पे नोट करा है उसका मतलब ये है कि अगर इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट एक रेंज पर्टिकुलर रेंज के अंतर्गत अगर लिमिट में आपको इंटीग्रेशन करना है तो पहले इंटीग्रेशन कर लो जो इंटीग्रेशन का आंसर बनेगा उसमें बड़ी वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू सब्सिट्यूट करके माइनस कर दो सिंपल एकदम ठीक है बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको ऐसे डायरेक्ट एग्जामूट नहीं करना ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पास टू से लेके थ्री पे एक्स पावर टू का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या करोगे पहले एक्स पावर टू का इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन इज एक्स पावर थ्री डिवाइड बाय थ्री फिर यहाँ पे ऐसे करके टू और थ्री नोट करोगे ठीक है फिर थ्री सब्सिट्यूट करोगे तो थ्री पावर थ्री डिवाइड बाय थ्री टू सब्सिट्यूट करोगे तो टू पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री फिर बीच में माइनस कर देना है तो थ्री पावर थ्री होता है ट्वेंटी सेवन बाई थ्री और टू पावर थ्री है एट बाई थ्री दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर है नाइनटीन डिवाइड बाय थ्री उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है तो एग्जामिनेशन में करने का प्रोसेस ऐसा रहेगा पहले इंटीग्रेशन करिए सिंपल इंटीग्रेशन जितने भी तरीके आपने सीखे हैं चाहे सब्सिट्यूशन मेथड हो डिवाइड करना हो सेपरेशन मेथड हो बाय पार्ट्स हो पार्शियल फ्रैक्शन हो ई पावर एक्स वाला क्वेश्चन हो डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में फंक्शन वाला हो स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन हो जो कुछ आपने सीखा है आप सिंपल इंटीग्रेशन करें और इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट गिवन है वो लिमिट गिट्यूट करें तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन सो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर टू इन द लिमिट टू टू थ्री इज इक्वल टू नाइनटीन बाई थ्री ठीक है तो ये एग्जाम्पल नोट कर लें ये इसका डेफिनेशन इस तरीके से नोट कर लें फिर फटाफट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपने हमसे बोला ही है कि सर एक एक घंटे का वीडियो कर दो तो लेट अस सी एक घंटे में कितने क्वेश्चन शुरू हो पाएंगे ठीक है ट्राई करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाए वन आवर का वीडियो रहेगा ये एकदम कन्फर्म है ठीक है पहले आप जल्दी फटाफट से इसको नोटिंग कर लो देखिये जी क्वेश्चन वन का जो फर्स्ट है ये मैंने आपको जस्ट अभी एग्जाम्पल में करवाया तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कुल मिलाकर के 19 बाई थ्री है जो एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे नोट किया हुआ था उसे आप एज इट इज कॉपी कर लेना ठीक है बात समझ रहे हो जो भी एग्जाम्पल मैंने सोल्व किया था पूरा वही सेम आप नोट कर लेना वही इसका सोल्यूशन बनेगा वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ठीक है भाई सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है माइनस वन से वन ठीक है इंटीग्रेशन आपको करना है माइनस वन से वन एक्स प्लस वन का देखो कितना इजी है आप सबको मालूम है x का इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है x पावर टू डि और इस वन का इंटीग्रेशन x रहता है लिमिट करनी माइनस वन से लेकर वन बिल्कुल ही सिंपल सबसे पहले बड़ा लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे वन यहां पे सब्सिट्यूट करेंगे तो विद इन द ब्रैकेट वन पावर टू डिवाइड बाय टू होगा एडिंग वन होगा ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर माइनस का वन सब्सिट्यूट करेंगे विदिन ब्रैकेट तो माइनस वन पावर टू डि है प्लस के साथ माइनस वन है ब्रैकेट क्लोज वन पावर टू करेंगे तो आंसर वन बाई टू रहेगा एडिंग वन है माइनस वन की पावर टू करेंगे ये ब्रैकेट में रहेगा ऐसे करके पहले तो माइनस वन पावर टू वन है डिवाइड बाय टू है ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों माइनस वन है ब्रैकेट क्लोज इसको आप ब्रैकेट हटा के नोट करोगे तो वन बाय टू एडिंग वन है माइनस को आगे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का वन बाई टू है प्लस का वन है तो वन बाई टू वन बाई टू करेंगे टू बनेगा सो टू इज द आंसर ठीक है भाई इंटीग्रेशन तो करना ही है साथ में कैलकुलेशन भी करनी है सो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन विदिन द लिमिट ऑफ माइनस वन टू वन इज इक्वल टू में टू ठीक है आसान है थर्ड करें देखो थर्ड कहता है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन करें ठीक है वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन करें तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन करें विद इन द लिमिट ऑफ टू एंड थ्री

ये बन जाएगा लोगेरिदम ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू सो दिस इज द आंसर ठीक है भाई लॉग थ्री बाई टू हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सिंपल आंसर है ठीक है आगे बात करें क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट की वो भी इसी तरीके से है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू का जो फर्स्ट है वो भी ऐसे ही है तो उसमें आपको लिमिट दिया हुआ है माइनस एंड माइनस ठीक है, 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 तो वन बाई एक्स का आंसर तो आप अंडर मोड एक्स ही लिखोगे लिमिट है माइनस फोर माइनस वन ठीक है सबसे पहले बड़े वाला वैल्यू यानी कि सिंपल सा अंडर मोड माइनस वन आएगा फिर इसमें माइनस करते हैं अंडर आएगा मोड्यूलो का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना तो माइनस वन वन हो जाएगा माइनस फोर सिंपल सा फोर हो जाएगा तो आप इसका आंसर नोट करेंगे ये है सिंपल सा लॉग वन माइनस में सिंपल सा लॉग फोर जो लॉग वन है और जो लॉग फोर है सिंपल सी आपको डिवाइड प्रॉपर्टी यूज करनी है ठीक है ना जैसे हमने यहाँ पे यूज करा डिवाइड प्रॉपर्टी तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड प्रॉपर्टी यूज करना है तो यहाँ पे नोट कर देते हैं आगे इसको ठीक है यहाँ पे नोट कर देते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा सिंपल सा लॉग ऑफ वन बाय फोर ठीक है भाई सिंपल है लॉग वन बाय फोर अब मुझे मालूम है आप लोग बड़े चंट हैं बुक को ओपन करके देखेंगे आंसर मैच हुआ नहीं हुआ तो बिल्कुल बुक से आंसर मैच नहीं हुआ आंसर मैच बुक से नहीं हुआ बुक में लिखा हुआ है माइनस में लॉग फोर ठीक है तो माइनस में लॉग फोर लेके आना है आपके क्वेश्चन में जब जो मैंने जो सॉल्व करा है इसका कोफिशियंट प्लस है बुक ने जो सॉल्व करा है उसका कोफिशियंट माइनस है तो आपको अगर माइनस कोफिशेंट चाहिए तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और साथ में वन बाय फोर का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाय फोर का रेसिप्रोकल फोर तो माइनस लॉक फोर बुक ने लिखा हुआ है ठीक है भाई बुक ने माइनस में लॉक फोर लिखा हुआ है तो एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं ठीक है सेकेंड पार्ट की बातें करते हैं तो उसमें जीरो सेवन का लिमिट है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू के ही सेकेंड पार्ट की बात करें तो जीरो से लेके वन का लिमिट है और वन के डिनोमिनेटर में टू एक्स एडिशन में थ्री है यहाँ पे सिंपल सा एक्स है भाई साफिशियंट ऑफ एक्स में आपको ध्यान रखना है, x? एक्स का कोफिशियंट क्या है तो आप कहेंगे सर x का कोफिशिएंट तो 2 है तो ये पूरा आंसर टू से डिवाइड होगा लिमिट रहेगा जीरो से लेके वन ठीक है भाई लिमिट विल बी जीरो से लेके वन तो वन बाय मतलब पहले हम वन सब्सिट्यूट करेंगे तो दिस इज द अंडर मोड टू मल्टीप्लाई बाय बायिशन थ्री डिवाइड कर देंगे 2 से माइनस साइन जीरो सो लोगरिथम अंडर मोड टू मल्टीप्लाई बाय जीरो क्लोज के डिनोमिनेटर में टू भाई टू और वन को सॉल्व करोगे टू आएगा टू और थ्री प्लस कर दोगे फाइव हो जाएगा तो दिस इज द लॉग फाइव बाई टू ठीक है भाई ये है लॉग फाइव डिवाइड बाई टू माइनस में यहाँ पर है लॉग टू इंटू जीरो बिल भी जीरो होता है जीरो प्लस थ्री करेंगे तो थ्री बनेगा सो लॉग थ्री डिवाइड बाई टू ठीक है भाई डिवाइड बाई टू बिल्कुल अलग है आप कहीं फाइव को टू से डिवाइड मत कर देना वो बिल्कुल सेपरेट है, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है वो ठीक है तो टू अलग है ऊपर लॉक फाइव और लॉक थ्री है एक काम करिए टू को बाहर कॉमन कर लीजिए ठीक है ऐसे करके वन बाय टू है वन बाय टू के ब्रैकेट में सिंपल सा लॉक फाइव है और माइनस में लॉक थ्री है अब आप यहाँ पे लोगरिदम का माइनस प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो माइनस प्रॉपर्टी कहता है डिवाइड करो डिवाइड करोगे तो फाइव अपॉन थ्री बनेगा ठीक है भाई कितना बनेगा फाइव अपॉन थ्री बनेगा तो वन बाय टू के साथ में लोगरिदम है लोगरिदम के साथ में फाइव बाय थ्री है मोड क्लोज करा दिस इज द आंसर ठीक है भाई दिस इज द आंसर बिल्कुल ही सिंपल कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसमें आपको मेथड का यूज करना है राइट right? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब सब्सिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो हमें गिवन लिमिट्स को चेंज करना होता है विदाउट चेंजिंग द लिमिट क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत आता है तो टोटल छे क्वेश्चन सेवन पॉइंट इलेवन में सब्सटी मेथड पर दिए हुए हैं जिन्हें आप अच्छे से सीखना है ठीक है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज करते हैं तो वी नीड टू चेंज द लिमिट ठीक है तो कैसे होता है क्या होता है आप समझने की कोशिश करिए ठीक है देखिए पहले क्वेश्चन के अपने को टोटल 3 पार्ट्स दिए हैं तो पहला कहता है x पावर 2 है ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको दिया हुआ है x पावर 2 है इसके साथ में x पावर 3 है एडिशन 1 है एंड टोटल पावर पे थ्री है ठीक है टोटल पावर पे थ्री है यहाँ पे डी है और लिमिट्स आपको दे रखी है माइनस वन से लेकर वन ठीक है भाई ये लिमिट्स आपको दे रखी माइनस वन से लेकर वन हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा एंड जैसा कि मैंने आपको बोला ये पूरी एक्सरसाइज सब्सिट्यूशन मेथड की है तो आप यहाँ पे देखिए अगर हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करते हैं तो वो डेरिवेटिव का फैक्टर डेरिवेटिव तो 3x पावर 2 होगा 3x पावर 2 का फैक्टर x पावर 2 आपको आगे लिख के दिया हुआ है तो हिंट आपको मिल गया है जो ब्रैकेट में कंप्लीट टर्म है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t ठीक है तो हम यहाँ पे मान लेंगे पहले तो सॉल्यूशन में हम अज्यूम करेंगे इसका वैल्यू i है तो i के इक्वल टू में लिमिट है -1 से 1 एंड x पावर 2 के साथ में x पावर 3 एडिंग 1 के टोटल पावर 3 और यहां पे dx फिर हमने डिसाइड करा हम सब्सिट्यूट करेंगे x पावर थ्री एडिशन वन का वैल्यू जो है वो टी है ठीक है डेरिवेटिव कर देंगे तो थ्री मल्टीप्लाई एक्स पावर टू प्लस में जीरो का वैल्यू dt टी बाई डी हो जाएगा फिर आप यहाँ पे नोट कर देंगे थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी का जो आंसर है वो dt है देन अगेन dx का जो आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में थ्री एक्स पावर टू है तो ये आपके पास में रिप्लेसमेंट इक्वेशन आ गया और ये आपने सब्सिट्यूट करा तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो आई का वैल्यू है वो लिमिट बाद में नोट करेंगे ये वाला सेम रहेगा ठीक है एक्स पावर टू इसके साथ में ये वाला वैल्यू टी है टोटल पावर थ्री है डी का आंसर है डी टी के डिनोमिनेटर में थ्री इंटू एक्स पावर टू x पावर टू एक्स पावर टू कैंसिल थ्री इस इंटीग्रेशन के बाहर तो i का जो आंसर है वन बाई थ्री है इंटीग्रेशन है सिंपल सा t पावर थ्री के साथ में dt ठीक है भाई t पावर थ्री के साथ में dt अब जैसा कि मैंने आपको कहा था यू नीड टू चेंज द लिमिट एंड क्यों वाई चेंज करना है तो देखो पहले क्वेश्चन में वेरिएबल x था पहले क्वेश्चन में वेरिएबल x था तो उस x के अकॉर्डिंग जो लिमिट था माइनस वन सेवन था क्वेश्चन ने आपसे पूछा था माइनस वन से वन पर एक्स का वैल्यू रहेगा तो इसका क्या होगा? लेकिन आपने इसको करने के लिए आपको बताना है ठीक है ना टी टर्म्स का लिमिट क्या है वो आपको बताना है आप इसको छोटे से एग्जांपल समझो मान लेते हैं आप चैप्टर नंबर फाइव अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर फाइव जो डेरिवेटिव है तो स्टूडेंट नंबर ए कंप्लीट करता है दो से चार घंटे में ठीक है एक स्टूडेंट ए है वो कंप्लीट करता है दो से चार घंटे में फिर एक स्टूडेंट बी है वो थोड़ा फास्ट पढ़ता है तेजी में पढ़ता है तो वो डेढ़ से दो घंटे में कंप्लीट कर लेता है तो दोनों स्टूडेंट्स का लिमिट अलग अलग आ गया ना यस यह नो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स का लिमिट अलग अलग है तो सिमिलर वे में यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है तो लिमिट भी दोनों का अलग रहेगा। X का अलग रहेगा एक्स का लिमिट अलग रहेगा और टी का लिमिट अलग रहेगा तो डेट इज वाई आपको सबसे मेथड में लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है तो चेंज कैसे होगा तो आपने को इसका यूज करना है ठीक है एक्स पावर थ्री प्लस वन वैल्यू टी है तो इसका यूज करना है और लिमिट को चेंज करना है ठीक तो है तो माइनस वन और वन लिमिट है आप एक काम करें यहाँ पे इसको नोट कर लें ठीक है यहाँ पे नोट कर देते हैं अलग से इधर ठीक है एक्स पावर थ्री प्लस में वन का वैल्यू हमने टी माना है तो x की ने दे रखी है एक तो 1 है और दूसरी वन है ठीक है वैल्यू है तो माइनस वन को यहाँ प्लस वन यानी कि जीरो तो जीरो जो निकल कर आया वो t का आंसर है तो जो पहले माइनस वन था अभी के टाइम पर वो जीरो है ठीक है भाई जो पहले माइनस वन था सोल्व करा तो अभी के वो जीरो है सिमिलर वे में इस वन को भी यहाँ पे सब्सिट्यूट करो तो दिस इज वन पावर थ्री वन होता है एडिंग वन है वन प्लस वन टोटल टू आ जाएगा तो जो इसमें एक्स के अकॉर्डिंग वन है वो टी के अकॉर्डिंग यहां पर आपके पास में टू रहेगा तो नया लिमिट जो है वो जीरो से लेकर टू है ठीक है भाई जो नया लिमिट है वो जीरो से लेकर टू है x में ही क्वेश्चन रहता तो क्वेश्चन का लिमिट माइनस वन से वन है अब आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा तो नया लिमिट जो रहेगा वो जीरो से लेकर टू रहेगा ठीक तो है भाई बात समझे वेरी वेरी गुड थैंक यू तो आइए अब इसका इंटीग्रेशन करिए ठीक है तो आई फॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू वन बाई थ्री को सेम लिखेंगे मल्टीप्लाई टी पावर थ्री का इंटीग्रेशन टी पावर फोर डिवाइड बाय फोर लिमिट लिखना है जीरो एंड टू थ्री एंड फोर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा वन के डिनोमिनेटर में ट्वेल्व विद इन ब्रैकेट पहले टू सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप नोट करेंगे टू की पावर फोर ठीक है टी की जगह पे टू लिखना है तो टू की पावर फोर माइनस जीरो करेंगे, जीरो की पावर फोर ब्रैकेट क्लोज तो आई फोर इंटीग्रेशन का आंसर है सिक्सटीन जीरो पावर फोर जीरो रहेगा सिक्सटीन माइनस में जीरो सिक्सटीन आएगा तो यहाँ पे आप नोट कर दो इसको आई का वैल्यू आपने डिटरमाइन करा है वन बाय ट्वेल्व के साथ में सिंपल सा सिक्सटीन है ये आपका फोर थ्री सा हो गया एंड फोर फोर सा हो गया तो आई का वैल्यू जो है ये फोर बाय थ्री है ठीक है भाई वट इज द आई का वैल्यू तो आई का वैल्यू इज फोर डिवाइड बाय थ्री उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया जल्दी से आप इसे कॉपी करें फिर इसका सेकंड करते हैं ठीक है फटाफट तेजी में स्पीड में इसको कॉपी कर लें आप फिर इसका सेकंड करते हैं ओके या फिर एक काम करते हैं सेकंड को यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इधर हो जाएगा ठीक है सेकेंड इसका छोटा है आसान है तो यहीं पे सोल्व हो जाएगा सेकंड में आपको कहते हैं विद इन द लिमिट ठीक है विद इन द लिमिट ऑफ जीरो पावर टू को सोल्व करके बताइए आंसर क्या बनेगा तो यहाँ पे आप सब्सिट्यूट कर लेंगे सोल्यूशन में जो एक्स पावर टू है इसका वैल्यू टी है अब x पावर टू का डेरिवेटिव टू एक्स है t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx है मल्टीप्लाई टी माना है जो एक्स का वैल्यू है क्वेश्चन कहता है जीरो है और वन है तो आपको इनका स्क्वायर करना है तो वैल्यू टी बन जाएगी जीरो का स्क्वायर करेंगे आंसर जीरो रहेगा वन का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा वन रहेगा यानी कि इस क्वेश्चन में लिमिट सेम है जीरो का जीरो है वन का वन है देखो हमने अपने हिसाब से तो सब्सिट्यूट करा हमने अपने अकॉर्डिंग करा लेकिन क्या करें सेम आ गया तो सेम लिख देंगे सिंपल सी बात है है ठीक भाई सेम सेम टू लिख देंगे जो पहले एक्स टर्म में जीरो था टी टर्म में भी जीरो है जो पहले एक्स टर्म में वन था टी टर्म में भी वन है ठीक है अब ये एक्स यहाँ पे सेम रहेगा मल्टीप्लाई e की पावर पे वैल्यू टी बन जाएगी और जो डी का आंसर है वो डी के डिनोमिनेटर में टू आएगा तो एक्स वैल्यू एक्स वैल्यू कैंसिल टू इंटीग्रेशन से बाहर तो वन बाई टू है इंटीग्रेशन है 0 से ले 1 DT, 0 से लेके लेके तो का सिंपल सा और ठीक है 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 भाई तो इटी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है ईटी ही रहता है तो वन बाय टू के साथ में हम नोट करेंगे ईटी है लिमिट पुट करेंगे जीरो एंड वन ठीक है लिमिट पुट करना है जीरो वन वन बाई टू को आप अलग रहने दो विद इन द ब्रैकेट सबसे पहले ई पावर वन फिर ई पावर जीरो ब्रैकेट क्लोज वन बाय टू अभी भी बिल्कुल ऐसे रहेगा ई e पावर वन ई e रहेगा ई e पावर जीरो वन होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यानी कि वन को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो e माइनस वन डिवाइडेड बाई टू हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है भाई e इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट नाउ क्वेश्चन वन का फर्स्ट भी हो गया सेकेंड भी हो गया जल्दी से अब आप इसको फाइनल नोट करें फिर हम इसका थर्ड करते हैं देखिए जी थर्ड में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स स्क् प्लस वन तो आपको तो मालूम ही है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है तो उसका फैक्टर एक्स आपको न्यूमरेटर में लिख के दिया हुआ है तो वी विल सब्सिट्यूट एक्स पावर टू प्लस वन जो है वो टी है ठीक है भाई सॉल्यूशन में हम सब्सिट्यूट कर देंगे जो डिनोमिनेटर है एक्स पावर टू प्लस वन इसका टोटल वैल्यू टी है अब एक्स पावर टू का डेरिवेटिव टू एक्स है डी टी का डेरिवेटिव डी टी के डिनोमिनेटर में डी एक्स है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स का जो आंसर है वो डी टी के डिनोमिनेटर में टू एक्स है इक्वेशन को चेंज कर देंगे भैया इंटीग्रेशन सिंबल है, x है में टी है, 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 है तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन आपको करना है एंड यू नो वेरी वेल वन बाय टी तो बिल्कुल ईजी है दिस विल कॉग ऑफ टी बॉग ऑफ टी लिखने से पहले लिमिट यहाँ पे नोट करें लिमिट जो जीरो वन एक्स के अकॉर्डिंग था वो अब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे अलग से नोट कर लेते हैं एक्स स्क्स में वन को हमने माना है टी जो एक्स का वैल्यू है क्वेश्चन कहता है जीरो है और वन है तो भाई जीरो को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो जीरो पावर टू प्लस वन बनेगा है ना यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है तो जीरो पावर टू प्लस वन यानी कि जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन वन होता है जो जीरो है उसका वैल्यू अब वन है तो यहाँ पे वन लिख दिया अब वन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वन पावर टू प्लस वन है वन पावर टू वन रहता है वन प्लस वन करने पे टू आंसर है तो जो पहले वन है वो अभी के टाइम पे टू है तो लिमिट है वन से लेके टू ठीक है भाई पहले लिमिट जीरो से वन था अब लिमिट है वन से लेके टू तो आपने फर्स्ट पार्ट और इस वाले पार्ट में नोटिस करा लिमिट वैल्यू चेंज होती है लेकिन सेकंड पार्ट में आपने नोटिस करा कभी कभी लिमिट वैल्यू चेंज नहीं होती है सेम टू सेम रहती है लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने अकॉर्डिंग तो लिमिट चेंज करना ही है भले ही वो फाइनल आंसर में चेंज हो या फिर ना हो ठीक है लेकिन आपको चेंज करना है ओके नाउ सब्सिट्यूट करिए मतलब इंटीग्रेशन करें इसका सब्सिट्यूट तो बाद में होगा इंटीग्रेशन करें वन बाय टी लॉक टी हो जाएगा तो वन बाय टू के साथ में लॉक टी है ठीक है वन बाय टू के साथ में लॉक टी है और लिमिट है वन से लेके टू पहले टू सब्सिट्यूट करेंगे तो वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय टू फिर माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय वन एंड यू नो वेरी वेरी वेल कि जो लॉग वन है वो तो जीरो होता है 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 ना जो का वैल्यू वो जीरो है अगर लॉग वन का वैल्यू जीरो है तो आंसर बन गया है 1 बाय लॉक टू जो है वो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है

तो 18x में से 3x 18x का फैक्टर होता है टू माइनस वन का वैल्यू जो है वो कुल मिलाकर के t है ठीक तो है भाई तो नाइन एक्स पावर टू का डेरिवेटिव एटीन इंटू एक्स है वन का डेरिवेटिव जीरो है t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 इंटू एक्स मल्टीप्लाई डी का जो आंसर है वो डी है इसका मतलब डी की टोटल वैल्यू डी के डिनोमिनेटर में एटीन इंटू है ठीक है भाई जो डीएक्स का रिप्लेसमेंट इक्वेशन है वो डी टी बाई एटीन एक्स है तो अब यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है और साथों में ही आप लिमिट भी चेंज कर लो ठीक है आप साथ में लिमिट भी चेंज कर लो तो लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हमने लिखा है नाइन एक्स पावर टू माइनस वन का टोटल वैल्यू टी है हमें इसमें बारी बारी करके वन एंड टू सब्सिटीट्यूट करना है तो जब वन हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो नाइन मल्टीप्लाय बाय वन की पावर टू माइनस वन होगा नाइन मल्टीप्लाय बाय वन माइनस वन है नाइन माइनस वन यानी कि एट है तो जो क्वेश्चन में पहले वन था वो अब के टाइम पर एट रहेगा सिमिलर में टू सब्सिट्यूट करेंगे तो नाइन मल्टीप्लाय बाय टू की पावर टू माइनस वन है थर्टी सिक्स माइनस वन है यानी कि थर्टी थ्री है ठीक है भाई, थर्टी थ्री टू की जगह पे आएगा तो जो वन एंड टू है इसे हम नोट करेंगे सिंपल सा एट है और थर्टी थ्री है ठीक है भाई जो वन से लेके टू है वो चेंज हो चुका है वो थ्री और एट्टी एट हो चुका है तो अब आपको यहाँ पे वैल्यूज नोट करना है थ्री एक्स बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है भाई थ्री एक्स सेम रहेगा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये वाला t है मल्टीप्लाई dx का आंसर ये वाला है यानी कि dt के डिनोमिनेटर में एटीन इंटू एक्स है तो भाई ये x वैल्यू और x वैल्यू कैंसिल यहाँ पे देखिए थ्री वन जी होता है थ्री सिक्स जटीन होता है तो सिक्स ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो आगे आप नोट करेंगे भाई वन बाई सिक्स हमने आगे कर लिया इंटीग्रेशन है एट से लेकर के थर्टी थ्री का और सिंपल वैल्यू है वन बाई टी डी टी अरे भाई वन टी डी, टी, वन टी डी टी कितनी बार आएगा टी होता होता है 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 ये तो टी होता है. तो ना के साथ में सिंपल सा थर्टी है, है थ्री वन बाय सिक्स को अलग रखेंगे विद इन द ब्रैकेट पहले थर्टी थ्री नोट करेंगे तो log थर्टी थ्री है फिर माइनस में एट लिखना है लॉग एट है ब्रैकेट क्लोज लॉग एरिदम में माइनस है कोफिशेंट सेम है तो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी वन बाई सिक्स के साथ में ओ, 33 8 हो जाएगा ये सो दिस इज द आंसर ठीक है भाई वन बाय सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द क्वेश्चन थ्री एक्स बाय नाइन एक्स पावर टू माइनस वन ठीक है प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना ठीक है तो अगर इस एक्सरसाइज का फ्रंट पेज आप चेक करोगे तो वहां पे आपको टोटल ना सेवन प्रॉपर्टीज दे रखी हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे मेरा सोचना है तो सेवन की सेवन प्रॉपर्टीज को करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज तीन से चार प्रॉपर्टी में कंप्लीट हो जाता है या मेरे हिसाब से तीन से भी कम प्रॉपर्टी में पूरी एक्सरसाइज निपट जाएगी तो वो सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज आप करिए सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए मेरे कहने पर जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ लो ठीक है इसके पहले की एक्सरसाइज में सभी में मैंने आपको

कौन कौन से क्वेश्चन है तो टाइप नंबर वन टाइप नंबर वन क्वेश्चन फोकस करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर ठीक है भाई टाइप नंबर वन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं यानी कि क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा होगा आप कहेंगे सर हमें मालूम नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल में एक्स बना होता है ठीक है तो ये वाला जो नोटेशन होता है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसके बाद में टाइप नंबर ठीक है जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर टू तो टाइप नंबर टू में आप लिखेंगे मोड्यूलो प्रॉपर्टी ठीक है यानी कि मोड्यूलस फंक्शन मोड्यूलस फंक्शन याद है ना कौन सा यस जो पॉजिटिव को नेगेटिव सॉरी जो नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है इस तरीके से ठीक है तो मोड वाले क्वेश्चन मोड्यूलस फंक्शन वाले क्वेश्चन और एक तीसरे टाइप के क्वेश्चन है टी ती थ्री तीसरा टाइप है तीसरा टाइप का क्वेश्चन की मेन हेडिंग तो नहीं डल सकती तीसरे टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर टू पे फोकस करते हैं ठीक है प्रॉपर्टी टू बेस्ड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं ठीक है प्रॉपर्टी टू बेस्ड क्वेश्चन है ये ठीक है जी प्रॉपर्टी टू मैं आपको बताऊंगा तो उन प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करेंगे टाइप नंबर थ्री के क्वेश्चन ठीक है अब बात आती है टाइप वन टाइप टू तो ये दोनों के दोनों टाइप वन टाइप टू क्वेश्चन जो हैं ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं ठीक है प्रॉपर्टी वन बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी नंबर वन हम आपको बताएंगे तो उन प्रॉपर्टी नंबर वन पर जो क्वेश्चन फोकस करते हैं वो टाइप वन टाइप टू है ठीक है अब प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी बताई मैंने तो प्रॉपर्टी वन पे ये दो टाइप के क्वेश्चन है प्रॉपर्टी टू पे तीसरा टाइप का क्वेश्चन है खतम, पूरा 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 एक्सरसाइज एक्सरसाइज खत्म खत्म ठीक है का हो जाएगा तो आज की क्लास में क्या करेंगे प्रॉपर्टी वन के क्वेश्चन मतलब मैं आपको पहले प्रॉपर्टी वन बताऊंगा क्या है प्रॉपर्टी वन फिर प्रॉपर्टी वन के क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और कुछ मोर फंक्शन करेंगे ठीक है क्योंकि पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा

और आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स ठीक है और आपने कुछ अपनी मतलब अपना माइंड लगाया और माइंड लगाकर क्या आपने ए से बी की लिमिट में एक वैल्यू डिटरमाइन कर लिया मान लेते हैं वो सी है ठीक है भाई क्वेश्चन कहता था ए से बी की लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करो आपने क्वेश्चन को आसान इजी बनाने के लिए एक सी लिमिट फाइंड कर लिया जो ए और बी के बिटवीन में कहीं पे आता है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई आपको दिक्कत आ रही है ना ए से बी सोल्व करने में तो छोटा सा काम करो पहले आप ए से सी सोल्व कर लो फिर सी से बी सोल्व कर लेना तो ये वाला जो लिमिट है ये स्प्लिट हो जाएगा स्प्लिट कैसे हो जाएगा पहले ए से सी पे चला जाएगा ठीक है ए से सी पे चला जाएगा तो एफ एक्स यहां पर नोट करेंगे और इसके बाद में C से लेके B पे चला जाएगा ठीक है C से लेके B पे चला जाएगा तो C से लेके B पे इस तरीके से करके तो इसको कहते हैं विद इन द रेंज स्प्लिट कर देना ठीक है अब जो यहाँ पे पॉइंट C है ये एक पॉइंट भी हो सकता है दो पॉइंट भी हो सकते हैं तीन पॉइंट भी हो सकते हैं है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है ठीक है डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है तो आप इसी के साथ में नोट कर सकते हैं जैसे ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी मेन प्रॉपर्टी ये है मेन प्रॉपर्टी के बाद में आप इस सी को टू पार्ट्स में और स्प्लिट करके नोट कर लो तो इसी के साथ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है अगर आपको ए से लेके बी का फंक्शन इवेल्युएट करना है ठीक है और ए और बी बहुत बड़ी, बड़ी बड़ी वैल्यू है तो आपने क्या करा भाई ए से लेके बी में ठीक है ए से लेके बी में एक प्रॉपर्टी पॉइंट सी वन फाइंड करा एक लिमिट पॉइंट सी टू फाइंड करा तो आप डायरेक्ट ए से बी पे ना जाते हुए पहले ए से सी वन पे चले जाओ सी वन से सी टू पे चले जाओ सी टू से बी पे चले जाओ तो आप इसको लिख सकते हैं भाई सबसे पहले सोल्व करेंगे से C1, से C1, Fx, Dx, ओके? फिर इसमें एडिंग कर देंगे सी वन से लेकर के सी टू सेकेंड वाला सी वन से लेके सी टू सी वन से लेके सी टू एफ एक्स एक्स फिर सी टू से लेके बी ठीक है फिर सी टू से लेके बी एफ एक्स एक्स तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है स्प्लिटिंग द लिमिट लिमिट को स्प्लिट कर देना ठीक है तो स्प्लिटिंग द लिमिट एक पॉइंट पे भी हो सकता है दो पॉइंट पे भी हो सकता है और इसी तरीके से तीन पॉइंट पे भी हो सकता है तो हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मोड्यूलस फंक्शन और पहले ही मैंने आपको बता दिया ये तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसके हाफ पोर्शन कंप्लीट करेंगे बाकी प्रॉपर्टी टू बेस्ड क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे तो प्रॉपर्टी टू है क्या अगली वीडियो में बताएंगे अभी बता के गो दिमाग खराब करना आज की वीडियो का कोर फोकस है स्प्लिटिंग द लिमिट प्रॉपर्टी लिमिट को स्प्लिट करो क्वेश्चन को सोल्व करो आंसर आपके हाथ में बस बात खत्म समझ रहे हो बात को पक्का एकदम चलिए तो नोट कर लीजिए इसको फिर आपको क्वेश्चंस करवाते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के और ये नोट करने के बाद में आप लिख भी लेना वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप वन क्वेश्चन एंड टाइप वन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है तो नोट करिए फिर स्टार्ट करते हैं आइए जी डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन करने से पहले समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या ठीक है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तो भाई देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी कहती है ठीक है ठीक ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी कहती है आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का आंसर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जस्ट पहले वाला प्रॉपर इंटीजर होगा गिवन वैल्यू का जस्ट पहले वाला प्रॉपर इंटीजर होगा गिवन वैल्यू का यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जीरो पॉइंट फाइव का ठीक है जीरो पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ तो जीरो पॉइंट फाइव से जस्ट पहले जो प्रॉपर इंटीजर आएगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है तो जीरो पॉइंट फाइव देखो नंबर लाइन बना लो यहाँ पे आप यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है ये वाला जीरो पॉइंट फाइव है तो जीरो पॉइंट फाइव से जस्ट पहले प्रॉपर इंटीजर ठीक है उससे पहले तो उससे पहले जीरो है तो 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो पहले प्रॉपर इंटीजर कौन सा है तो 1 के बाद यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा और यहाँ पे 1.7 आएगा तो 1.7 से जस्ट पहले प्रॉपर इंटीजर तो जस्ट पहले प्रॉपर इंटीजर 1 है तो 1.7 का प्रॉपर इंटीजर वन हो जाएगा ठीक है सिमिलर वे में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2.7 बताइए तो 2.7 के लिए इसको और आगे एक्सटेंड कर दीजिए थ्री आ जाएगा तो थ्री में यहाँ पे 2.7 है तो 2.7 से जस्ट छोटा उससे पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर टू है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी टू बन जाएगी ठीक है इस तरीके से सोल्व होता है माइनस वाला भी ऐसे ही सोल्व होगा अगर आपको दिया हुआ है माइनस में जीरो पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव नंबर लाइन में यहाँ पे लिखोगे आप माइनस वन यहाँ पे लिख दो जीरो पॉइंट फाइव माइनस में तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव से पहले ठीक है पहले पहले इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट इंटीजर कौन सा है तो माइनस वन है तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव का आंसर माइनस वन होगा ठीक है फिर इसके बाद में मान लेते हैं माइनस में थ्री पॉइंट फाइव है तो माइनस थ्री पॉइंट फाइव से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा प्रॉपर इंटीजर आएगा तो इससे पहले माइनस का फोर प्रॉपर इंटीजर आएगा तो ये इस तरीके से वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा इंटीजर रहता है और ऐसा इंटीजर आता है जो गिवन वैल्यू से जस्ट पहले नोट किया जाए ठीक है उससे जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी इंटीजर होगा प्रॉपर वो हमारे इंट, इंटीजर का वैल्यू होता है ठीक है इस तरीके से आंसर आता है तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए मतलब सम, ये बात समझ गए ना बात समझ आ गई आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से जस्ट पहले पहले वाला प्रॉपर इंटीजर कौन सा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा तो बेसिक आपको समझ आएगा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है इस तरीके से काम करता है अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं सॉल्व कैसे करना है तो देखिए जी सबसे पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में पार्ट ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर वन में सिक्स पार्ट आपको दिया हुआ है आप कहेंगे सर डायरेक्ट सिक्स पे आ गए अरे भैया टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं ना तो टाइप वाइज में सबसे पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट टेंशन मत लो सभी के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा आप क्वेश्चन काउंट कर लो पूरी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं और जितने मैं करवाऊंगा इन्हें काउंट कर लेना सब कुछ करवाऊंगा कंप्लीट कराऊंगा कराऊंगा लेकिन अपने तरीके से टाइप वाइज करवाऊंगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है जीरो से लेकर थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दी हुई है ठीक है जीरो से लेकर थ्री आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दे रखी है आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा तो भाई आप यहाँ पे काम करेंगे एक तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो ठीक है ये वाला वैल्यू जीरो जीरो के बाद में क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे दिया हुआ है थ्री ठीक है जीरो और थ्री नाउ आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का जो आंसर है वो प्रॉपर इंटीजर होता है तो जीरो और थ्री के बीच में कितने प्रॉपर इंटीजर आते हैं वो नोट कर दो जीरो और थ्री के बीच में कितने प्रॉपर इंटीजर हैं वो आप नोट कर दो तो जीरो और थ्री के बीच में एक तो वन आएगा उसके बाद में टू आएगा यानी कि जो क्वेश्चन जीरो से थ्री था वो पहले जीरो से वन जाएगा फिर वन से टू जाएगा फिर टू से थ्री जाएगा तो आप यहाँ पे नोट करेंगे ठीक है आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है ठीक है जो जीरो से लेकर के थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक्स है इसके आंसर को हम नोट करेंगे सबसे पहले जीरो से लेकर के वन जीरो से लेकर के वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के एडिशन में इसके बाद में वन से लेकर के टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑफ डी एक्स फिर से एडिशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर टू से लेकर के थ्री ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजर टू से लेकर के थ्री ऑफ dx तो अब आपको देखना है भाई जीरो से लेकर वन में इसका आंसर क्या होता है ठीक है इस वाली वैल्यू का आंसर क्या होगा तो जीरो से लेके वन में आप जीरो टू जो आपका मन करे वो वैल्यू सब्सिट्यूट करो तो मान लेते हैं आपने जीरो पॉइंट थ्री सब्सिट्यूट करा यहाँ पे आपने जीरो पॉइंट थ्री सब्सिट्यूट करा तो जीरो पॉइंट थ्री से जस्ट पहले जस्ट पहले पहले प्रॉपर इंटीजर कौन सा होगा आप कहेंगे सर जीरो होगा अभी समझाया था मैंने आपको पूरा चार्ट जीरो पॉइंट थ्री से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट पहले कौन सा वैल्यू आएगा जीरो आएगा तो ये वाला आंसर जो है वो जीरो बनेगा ठीक है तो जीरो से लेकर वन में जीरो का इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है फिर इसमें एडिंग करना है से लेकर के टू One से लेके टू का कोई भी वैल्यू आपके मन में आए सब्सिट्यूट करो वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री फोर फाइव करो वन पॉइंट सेवन कर लेते हैं अभी भी हमने किया था तो से मान लेते हैं है तो से जस्ट पहले इस वाले पॉइंट से जस्ट पहले कौन सा प्रॉपर इंटीजर है तो वन है है ना भाई 1.7 से जस्ट पहले 1 है तो यहाँ पे 1 से लेके 2 की लिमिट में 1 का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है फिर आगे है 2 से लेके थ्री तो टू से लेके थ्री में मान लेते हैं टू पॉइंट सिक्स हमने सब्सिट्यूट करा तो टू पॉइंट सिक्स से जस्ट पहले माय डियर स्टूडेंट टू पॉइंट सिक्स से जस्ट पहले प्रॉपर इंटीजर टू आएगा तो यहाँ पे आपको टू का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो बस सिंपल सा आपके पास इंटीग्रेशन आ गया इसको सॉल्व करो इंटीग्रेशन करके भाई देखो तो जीरो को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है तो इसका तो यहाँ पे आंसर लिख देता भैया आंसर जीरो है वन का इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल सा एक्स आएगा एक्स में लिमिट वन एंड टू सब्सिट्यूट करनी है टू का इंटीग्रेशन टू इन टू एक्स आएगा लिमिट है टू से लेकर थ्री ठीक है जीरो को अब हम इग्नोर कर देंगे पहले करेंगे करेंगे फिर 1 करेंगे, तो टू माइनस वन हो जाएगा एडिशन थ्री सब्सिट्यूट करेंगे थ्री डूजा सिक्स टू सब्सिट्यूट करेंगे टू डूजा फोर तो ये आपके पास बनेगा वन में एडिंग है सिंपल सा टू और वन प्लस टू होता है थ्री तो इस वाली वैल्यू का जो आंसर है वो थ्री है ठीक है भाई वट इज द टोटल आंसर टोटल आंसर इज थ्री तो उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है जब भी एग्जाम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आए तो रेंज लिखने के बाद आप देखना कि कौन कौन से ग्रेटेस्ट पॉइंट पर आते हैं प्रॉपर इंटीजर कौन से हैं फिर उन प्रॉपर इंटीजर के अकॉर्डिंग लिमिट स्प्लिट कर देना जैसे ही लिमिट स्प्लिट करोगे तो अपने मन में अपने माइंड में उन पर्टिकुलर लिमिट की कोई वैल्यू सब्सिट्यूट करो जीरो पॉइंट फाइव सब्सिट्यूट करा ठीक है 1.6 सब्स्टिट्यूट करा 2.7 सब्स्टिट्यूट करा और फिर देखना है कि उन वैल्यू में आंसर क्या बनेगा राइट व्हाट इज द आंसर 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तो भैया 2 है 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तो 1 है 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तो 0 है बस सिंपल सॉल्व कर दिया समझे मेरी बात को देखिये मोड्यूलस फंक्शन के क्वेश्चन हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे इससे आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी तो क्वेश्चन इज सेइंग से 3 पे मोड मोड करो तो भाई जब भी का क्वेश्चन आएगा ना जब भी मोड का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मोड में जो वैल्यू लिखा हुआ होगा जैसे यहाँ पे एक्स माइनस टू है आपके एग्जाम में एक्स प्लस थ्री हो सकता है टू एक्स माइनस वन हो सकता है फाइव माइनस एक्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है बस मोड के जो अंदर लिखा होगा उसको जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक को डिटरमाइन तो कर वैल्यू टू है, है, तो है अब ये गिवन लिमिट को नोट करेंगे तो भाई गिवन लिमिट यहाँ पे जीरो है जीरो के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे थ्री है जीरो और थ्री के बिटवीन में ये वाला टू लिमिट आता है तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया तो इसका मतलब यह है जो क्वेश्चन पहले जीरो से थ्री पे जा रहा था अब वो पहले जीरो से टू जाएगा फिर टू से थ्री जाएगा तो आप इसको नोट करेंगे वैल्यू जो है वो इक्वल है सबसे पहले जीरो से लेकर के टू अंडर मोड एक्स माइनस टू डी एक्स के और इसके एडिशन में अंडर मोड टू से लेकर के थ्री एक्स माइनस में टू डी एक्स ठीक है भाई जो लिमिट पहले जीरो से लेकर थ्री था अब वो पहले जीरो से लेकर टू है और टू से लेकर थ्री है ठीक है भाई? अब क्या करना है? आपको इस मोड के मोड वाली वैल्यू को हटाना है ठीक है मोड के ब्रैकेट को हटाना है तो मोड के ब्रैकेट को हटाने के लिए टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस रेंज ठीक है इस रेंज में से कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर लो तो इस वाली रेंज में मान लेते हैं आपने वन ले लिया ठीक है ब्लैक कलर से लिखते हैं आपने यहां पर जीरो से लेके टू की रेंज में मान लेते हैं एक्स का वैल्यू वन ले लिया तो जब एक्स का वैल्यू वन यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो चेक करना है कि आंसर कैसा आएगा ठीक है

मोड के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मोड का ब्रैकेट हटाना पड़ता है मोड के ब्रैकेट जब हटेंगे तो आइदर प्लस में जाएंगे और माइनस में जाएंगे अब कैसे प्लस कैसे माइनस होगा तो टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द रेंज रेंज वैल्यू सब्सिट्यूट करने पे जो आपका आंसर आया उसका साइन चेक करो माइनस है तो माइनस आंसर आएगा खेल खत्म ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है ठीक है सिमिलर वे में टेक एनी वैल्यू फ्रॉम टू से लेके थ्री तो टू से लेके थ्री में मान लेते हैं टू पॉइंट फाइव है टू पॉइंट फाइव आपको इसमें करना है तो x -2 है आपने 2 substitute करा, 2 है -2 करा, तो answer और का sign कैसा है, है तो तो आपने करा करा और का कैसा प्लस यानी कि जब मोड का ब्रैकेट हटेगा तो प्लस साइन ही रहेगा प्लस का मतलब है सिंपल रहेगा एक्स माइनस टू तो x माइनस टू है टू से लेकर थ्री है और यहाँ पे सिंपल सा dx है इन्हें आपको सॉल्व करना है ठीक है भाई इन्हें आपको सोल्व करना है तो x माइनस टू है बल्कि दोनों तरफ ही x माइनस टू ही है है ना दोनों तरफ ही x माइनस टू है तो आपको तो मालूम है x माइनस टू का इंटीग्रेशन होता है x माइनस टू की होल पावर टू डिवाइडेड बाय टू आगे माइनस है माइनस रहेगा लिमिट है जीरो एन टू फिर एडिशन यहाँ पे भी सेम रहेगा x माइनस टू की होल पावर टू डिवाइडेड बाय टू लिमिट है टू और थ्री है ना भाई याद है ना आपको x माइनस टू एक लीनियर फैक्टर है अगर x माइनस टू एक लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर में कैपिटल x मान के इंटीग्रेशन करते हैं तो कैपिटल x है ये तो कैपिटल x का इंटीग्रेशन कैपिटल x पावर 2 डिवाइड बाई टू तो x माइनस 2 डिवाइड बाई टू और एट पावर 2। यहाँ पे भी x माइनस टू पावर 2 डिवाइड बाई टू बस यहाँ पे आपको लिमिट सब्सिट्यूट करना है आंसर आ जाएगा ठीक है लिमिट करने के लिए ये वाला ये वाला वाला माइनस और टू अलग कर लो ठीक है माइनस और टू अलग कर लो तो ऐसे कर लो माइनस वन बाय टू विदिन ब्रैकेट अब लिमिट सब्सिट्यूट करो जीरो और टू पहले टू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो टू माइनस में टू ठीक है टू माइनस में टू का होल स्क्वायर माइनस जीरो जीरो माइनस में टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एडिशन साइन इसमें भी अलग कर लो विद इन ब्रैकेट थ्री माइनस में टू का होल स्क्वायर एडिशन साइन टू सब्सिट्यूट करेंगे तो टू माइनस में टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज भाई समझ पाए ये वाला माइनस वन बाय टू अलग कर लिया टू को यहाँ पे नोट करा जीरो को यहाँ पे नोट करा दोनों को माइनस कर दिया वन बाय टू अलग कर लिया थ्री को यहाँ पे सब्सिट्यूट करा टू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करा अभी इसे सोल्व करना है तो भाई टू माइनस टू तो जीरो होता है इसे सोल्व करने की नीड नहीं है बस इसको सोल्व करके लिखो तो माइनस वन बाय टू के ब्रैकेट में इसका तो स्क्वायर बनेगा प्लस में फोर तो प्लस में फोर है आगे माइनस है तो माइनस में फोर है प्लस साइन वन बाय है ब्रैकेट स्टार्ट थ्री माइनस टू होता है वन की पावर टू बनी होगी इसको नोट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये वाला आंसर जीरो हो जाएगा तो आप इसको आगे नोट करेंगे माइनस माइनस कैंसिल ठीक है माइनस माइनस कैंसिल टू बन जा, टू, टू टू जा फोर तो टू में एडिंग करना है वन बाई टू यानी कि आंसर बन जाएगा फाइव बाई टू या फिर आप इसको लिख सकते हैं टू पॉइंट फाइव ठीक है भाई आंसर है आइदर फाइव बाई टू या फिर टू पॉइंट फाइव भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी माई डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए अब कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है मैं तो ऐसा करता हूं आंसर आ गया है फाइव बाई टू और वी कैन से टू पॉइंट फाइव ठीक है समझ पाए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट करेंगे अब ठीक तो है जी क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट है सिंपल सा मोडेक्स ठीक है सिंपल सा मोडेक्स और इसके अंदर वैल्यू दिया हुआ है माइनस वन से वन ठीक है भाई माइनस वन से वन का वैल्यू है तो मैंने क्या बताया आपको जो इस मोड के अंदर है उसको जीरो से इक्वेट करना है तो मोड के अंदर सिंपल सा एक्स है मोड विद इन द मोड ब्रैकेट क्या है तो विद इन द मोड ब्रैकेट एक्स है तो कंसीडर कर लेंगे एक्स जीरो भाई कंसीडर कर लेंगे एक्स का वैल्यू जीरो है और यही आपका आंसर रहेगा तो आपको माइनस वन से स्टार्ट करना है माइनस वन के बाद जीरो है जीरो के बाद वन है तो जो लिमिट पहले माइनस वन से वन पर थी वो पहले माइनस वन से जीरो जाएगी फिर जीरो से वन पे जाएगी तो इसे आप नोट करेंगे यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन ही नोट कर लें माइनस वन से वन पे जो मोड एक्स डी एक्स है इसे आप लिखेंगे माइनस वन से जीरो पे मोड एक्स डी एक्स एडिशन में जीरो से लेकर के वन मोड एक्स डी एक्स ठीक है भाई नाउ टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस रेंज ठीक है मोड के ब्रैकेट हटाने हैं तो टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस रेंज यहाँ की कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर लो चाहे माइनस का जीरो पॉइंट वन हो माइनस जीरो भी हो माइनस रहेगा ना नहीं नहीं टेल मी टेल मी माइनस रहेगा ना हाँ या ना वेरी वेरी गुड माइनस रहेगा तो बस ये वाला आंसर माइनस आ जाएगा तो माइनस वन से जीरो पे माइनस ऑफ एक्स डी एक्स है फिर एडिंग साइन जीरो से लेकर वन है ठीक है भाई जीरो से लेकर वन है टेक एनी वैल्यू फ्रॉम हेयर

ठीक है माइनस वन बाय टू अलग कर लेंगे विद इन ब्रैकेट पहले जीरो नोट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस माइनस का वन नोट करेंगे माइनस का वन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एडिंग साइन वन बाय टू को अलग कर लेंगे वन का स्क्वायर माइनस में जीरो का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ठीक है भाई वन बाय टू अलग कर लिया वन पुट करा जीरो पुट करा वन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर माइनस वन अलग कर लिया जीरो का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर तो यहाँ पे तो आपके पास आंसर बनेगा माइनस का वन बाय विद इन ब्रैकेट जीरो का स्क्वायर जीरो होता है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है माय डियर स्टूडेंट्स फोकस ऑन कैलकुलेशन एग्जाम में कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो जीरो का स्क्वायर जीरो नोट नहीं करेंगे माइनस वन का स्क्वायर वन होता है उसे नोट करेंगे लेकिन उस वन के आगे ये वाला माइनस आएगा तो आंसर बनेगा माइनस वन फिर इसमें आप एडिंग करेंगे वन बाय टू वन का स्क्वायर होता है वन जीरो का स्क्वायर जीरो तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के आंसर वन बाय टू है, है, है. ठीक है तो आंसर आ गया सिंपल सा वन सो क्वेश्चन वन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है वन और सेकंड पार्ट का आंसर है सिंपल सा टू पॉइंट फाइव और वी कैन से फाइव बाई टू तो फटाफट तेजी में स्पीड में आप इसको नोट करें तो लिमिट आपको दे रखी है वन से लेके फोर ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो लिमिट आपको दिया हुआ है वन से लेकर के फोर और यहाँ पे तीन मोड्यूलो हैं सबसे पहला है एक्स माइनस वन ठीक है भाई सबसे पहला मोड्यूलो है एक्स माइनस वन दूसरा मोड्यूलो है एक्स माइनस टू और तीसरा मोड्यूलो है एक्स माइनस थ्री तो ये हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और फोर मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बिकॉज इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि आप समझ ही पा रहे हैं तीन तीन मोड्यूलो का साइन चेक करना होगा तो कैलकुलेशन ज्यादा तो होगा ही होगा है ना तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं ओके सबसे पहला स्टेप आपको भूलना नहीं है मोड्यूलो के ब्रैकेट को जीरो से करना है तो x माइनस वन को अगर हम जीरो करते हैं तो x का वैल्यू वन हो जाएगा इसके बाद में सेकंड x माइनस टू को हम जीरो करते हैं तो x का वैल्यू टू हो जाएगा सिमिलर वे में तीसरी टर्म x माइनस थ्री को हम जीरो करते हैं तो x का वैल्यू थ्री हो जाएगा सो दीज आर थ्री वैल्यू वन टू एंड थ्री ओके वन टू थ्री के बाद लिमिट नोट करेंगे लिमिट का स्टार्टिंग वैल्यू वन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंडिंग वैल्यू फोर है हमें डिसाइड करना है इनमें से कौन सा वैल्यू इस वाली लिमिट में आएगा तो वन तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट किया हुआ है टू को यहाँ पे हम नोट कर देंगे थ्री को यहाँ पे हम नोट कर देंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर आ गया तो जो तो ये क्वेश्चन है टोटल वन टू थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ओके तो इसको आगे आप कंटिन्यू में नोट करेंगे भाई सबसे पहले बनेगा वन से लेकर टू तो वन से लेकर टू में एडिंग करना है इंटीग्रेशन टू से लेकर थ्री लिमिट में सेम अंडर मोड एक्स माइनस वन एडिशन अंडर मोड एक्स माइनस टू एडिशन अंडर मोड एक्स माइनस थ्री यहाँ पे डी एक्स और फिर फाइनली थ्री से लेकर के फोर तो 3 से लेके फोर में भी अंडर 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 मोड 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 एडिशन एडिशन पे सिंपल सा तो हमें अब बारी बारी करके टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस लिमिट टर्न बाय टर्न कोई भी वैल्यू आपको लिमिट से लेना है हर जगह पर सब्सिट्यूट करके देखना है कौन सा वैल्यू प्लस है कौन सा वैल्यू माइनस है ओके तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं वन से लेके टू में ठीक है इस वाली लिमिट में वन से लेकर टू में हम एजुम कर लेते हैं 1.5 ओके वी विल एजुम 1.5 तो 1.5 हम इन तीनों वैल्यू में सबस्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले x माइनस वन है तो ये बनेगा 1.5 माइनस वन यानी कि आंसर बना सिंपल सा 0.5 पॉजिटिव आंसर है फिर x माइनस टू है तो एक्स माइनस टू वन नेगेटिव आंसर आएगा है ना जीरो पॉइंट फाइव आएगा इसका मतलब नेगेटिव आंसर है, ये. 0 है ना? में माइनस थ्री करेंगे तो आंसर आएगा ये भी है. तो पहला पॉजिटिव है तो बाकी दोनों नेगेटिव हैं ये वाला प्लस रहेगा बाकी के दोनों माइनस रहेंगे तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ठीक है यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे भाई से लेकर टू का लिमिट जो है उसमें ये प्लस है तो एक्स माइनस वन सिंपल सिंपल ये माइनस है तो माइनस ऑफ एक्स माइनस टू ये भी माइनस है तो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री सिंपल सा यहाँ पे डी एक्स एडिंग साइन इसके बाद में है टू से लेकर के थ्री ठीक है भाई टू से लेकर के थ्री में टू पॉइंट फाइव परफेक्ट वैल्यू है तो आगे हम सोल्व करेंगे और टू पॉइंट फाइव हम कंसिडर करेंगे तो एक्स माइनस वन है यानी कि आपको 2.5 पॉइंट माइनस वन करना है आंसर 1.5 हो जाएगा आंसर 1.5 प्लस है इसके बाद में x माइनस टू है तो x माइनस टू में 2.5 पॉइंट माइनस टू कर देंगे आंसर ऑलरेडी 0.5 प्लस है इसके बाद में लास्ट है x माइनस थ्री तो x माइनस थ्री का मतलब है 2.5 पॉइंट माइनस थ्री ये वाला बस नेगेटिव आंसर आएगा माइनस में 0.5 तो पहले के दो प्लस हैं और बाकी के एक माइनस है ठीक है तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू प्लस है तो सिंपल एक्स माइनस वन है ये वाला प्लस है ये भी सिंपल एक्स माइनस टू है लेकिन ये माइनस है तो माइनस ओफ एक्स माइनस थ्री है यहाँ पे सिंपल डी एक्स है एडिंग साइन फिर से इंटीग्रेशन है थ्री से लेकर के फोर भाई देखो थ्री से लेकर फोर बना अब आपको हर जगह पे ना ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं है ये तो उन बच्चों के लिए है जिसको अभी तक की कहानी समझ नहीं आई तो थ्री से लेके फोर में टेक एनी वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव यहाँ सब्सिट्यूट करोगे तो पॉजिटिव आंसर है थ्री पॉइंट फाइव यहाँ सब्सिट्यूट करोगे प्लस आंसर है थ्री पॉइंट फाइव यहाँ सब्सिट्यूट करोगे प्लस आंसर है तो अगर आपको मालूम है प्लस आंसर है तो उसको यहाँ पे लिख के क्या दिखाना है बताओ मुझे आप आपको तो ये लिखने की ये लिखने की भी जरूरत नहीं है बस लिमिट बनाओ लिमिट बनाने के बाद क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर दो ये सारा कार्यक्रम जो है जो बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए है जो डायरेक्ट कर पाते हैं फटाफट यहाँ पे नोट करेंगे भाई 3.5 को यहाँ नोट करा प्लस का 2.5 है तो प्लस x माइनस वन है यहाँ पे 3.5 पॉइंट करा प्लस 1.5 है यानी कि आंसर प्लस में x माइनस टू है यहाँ पे 3.5 पॉइंट करा तो प्लस में 0.5 आंसर है प्लस में x माइनस थ्री है यहाँ पे सिंपल सा dx है बस सब वैल्यू सोल्व हो गई इसे आपको सोल्व करना है ओके तो यहाँ पे तो आपको पहले ब्रैकेट साइन चेंज करने पड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन है वन से लेके टू

सिंपल x माइनस वन है x माइनस टू है और x माइनस थ्री है यहाँ पे सिंपल dx है अब यहाँ पे देखो कट पिट क्या होता है उनको सोल्व करो फिर ठीक है जैसे ये प्लस x नैगेटिव एक्स कैंसिल होता है तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा लिमिट है वन से लेके टू ठीक है लिमिट वन से लेके टू है एक तो नेगेटिव एक्स आएगा इन इन दोनों को आप सोल्व करोगे थ्री प्लस टू फाइव फाइव में वन माइनस करेंगे फोर तो बन गया है फोर माइनस एक्स

टू से लेकर इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया सिंपल अब वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो पहले माइनस टू होगा तो माइनस टू को किनारे कर लेंगे बिल्कुल अलग कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा भाई डिनोमिनेटर में माइनस टू है न्यूमिनेटर में वन लिख देंगे ब्रैकेट पहले यहाँ पे टू नोट करेंगे तो ध्यान से देखना फोर में टू माइनस करेंगे टू आएगा टू का स्क्वायर होता है four. फिर one substitute करेंगे four में one minus करेंगे करेंगे में आएगा three का होता है को अलग कर लेंगे ब्रैकेट थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और टू का स्क्वायर होता है फोर नेगेटिव साइन फिर एडिंग थ्री बाय टू यहाँ पे अलग हो जाएगा थ्री बाय टू के ब्रैकेट में पहले फोर सब्सिट्यूट करेंगे फोर में टू माइनस करेंगे टू बनेगा टू का स्क्वायर होता है फोर फिर माइनस थ्री सब्सिट्यूट करेंगे थ्री में टू माइनस करेंगे वन आएगा वन का स्क्वायर होता है ब्रैकेट क्लोज इसे आपको सोल्व करना है ठीक है भाई तो माइनस वन बाई टू है और फोर है माइनस का वन बाय टू है और फोर है तो आपके पास में आंसर बनेगा सिंपल सा माइनस में टू ठीक है इसे हम इरेज कर देते हैं ये वाली कैलकुलेशन करते हैं ठीक है माइनस वन बाय टू के साथ फोर है तो टू वन सा टू 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 झा फोर माइनस टू आ गया माइनस वन बाई टू माइनस नाइन पे जाएगा करेंगे को से करेंगे तो माइनस टू ये कैलकुलेशन करिए माइनस टू फिर इसमें एडिंग करेंगे थ्री बाय टू मल्टीप्लाई फोर है ना देखो ध्यान से थ्री बाय टू मल्टीप्लाई फोर टू वन जा टू है टू टू झा फोर है यानी कि यहाँ पे सिक्स है और थ्री बाई टू को वन से करेंगे तो माइनस में थ्री बाई टू ठीक है

आप इसको एल लेके सॉल्व कर दो टू टू फोर होता है तो फोर प्लस में फिफ्टीन बाई टू यानी कि आंसर है नाइनटीन बाई टू उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है ठीक है ना आई होप आप सभी कैलकुलेशन समझ पाए हैं तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है कुल मिलाकर के नाइनटीन बाई टू है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तभी मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फोर मार्क्स में आएगा ठीक है नाउ जल्दी से आप इसे नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं देखिए भाई क्वेश्चन सेवन के थर्ड में भी बिल्कुल सिंपल सा वैल्यू है और देखकर ही आपको समझ आ गया कि थ्री लीनियर फैक्टर का कॉम्बिनेशन है तो फोर मार्क्स फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है शानदार है कोई दिक्कत वाली बात देखिए भाई क्वेश्चन सेवन के थर्ड में आप देख पा रहे हैं वन टू थ्री फैक्टर हैं थ्री फैक्टर पे मोड लगा हुआ है प्लस का कॉम्बिनेशन है तो आप देख के समझ गए कि यह वाला क्वेश्चन भी मार्क्स मार्क्स का है ओके okay? बिकॉज इसकी कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल सेम है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे पहले वाली टर्म में सिंपल सा एक्स है तो पहले वाली टर्म में एक्स वैल्यू जीरो कर देंगे तो बस यही इसका आंसर है ठीक है फिर सेकंड वाली टर्म में एक्स माइनस वन को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू वन है ओके okay, फिर लास्ट वाली टर्म एक्स माइनस टू को हम जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू टू है वेरी वेरी सिंपल ठीक है बात समझ पाए भाई ये टू लिखा हुआ है ध्यान से इसको नोट करना ठीक है दिस इज द टू तो आपने भाई यहाँ पे तीन वैल्यू डिटरमाइन कर ली है जीरो है वन है टू है क्वेश्चन का लिमिट हम नोट करेंगे तो क्वेश्चन के लिमिट में आपको सबसे पहले जीरो दिया हुआ है और एंडिंग पॉइंट में आपको थ्री दिया हुआ है इन तीन वैल्यू में से कौन सा यहाँ पे आएगा तो भाई जीरो यहां पे ऑलरेडी नोट हो रखा है के के बाद में आ जाएगा। टू वन के बाद में में आ आ जाएगा, जाएगा। तो पहले जीरो से वन फिर वन से टू और फिर टू से लेके थ्री तो यहीं पे हम नोट करेंगे ठीक है यहीं पे हम नोट करेंगे भाई जो इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर वन का ठीक है ये वाला जो आंसर है पहले जीरो से वन सोल्व होगा तो जीरो से लेके वन में मोड एक्स आएगा एडिशन में अंडर मोड एक्स माइनस वन आएगा एडिशन में अंडर मोड एक्स माइनस टू आएगा सिंपल डी आएगा एडिंग साइन फिर लिमिट आएगी वन से लेकर के टू यहाँ पे सिंपल सा मोड एक्स एडिशन अंडर एक्स माइनस वन एडिशन मोड एक्स माइनस टू और सिंपल सा डी फिर से एडिंग साइन यहाँ पर भी वन से लेकिन वन नहीं आएगा सॉरी वन नहीं आएगा टू आएगा 2 से लेकर 3 पे अंडर मोड x के एडिशन में अंडर मोड x 1 एडिशन मोड ऑफ x 2 सिंपल सा dx तो ये हमें कुल मिलाकर के सॉल्व करना है ठीक है भाई ये हमने को देखना है तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो हम पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करते थे वो आपको अपने माइंड में सॉल्व करनी है सो टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस 0.5 ले लेते हैं 0.5 को यहाँ नोट करेंगे तो प्लस c है जीरो पॉइंट फाइव प्लस है प्लस आपने यहाँ पे नोट करा तो आंसर प्लस है तो मोड ब्रैकेट ओपन होकर के प्लस हो जाएगा तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई ये वाला जो आंसर है प्लस है यानी कि जीरो से लेके वन की रेंज में पहले वाला ब्रैकेट सिंपल एक्स है यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव पुट करेंगे तो जीरो पॉइंट होता है माइनस में जीरो तो माइनस आएगा तो ऑफ एक्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव यहाँ नोट करेंगे तो आंसर माइनस वन पॉइंट फाइव आएगा ये भी माइनस है डिटरमाइन एक्स माइनस टू और यहां पर सिंपल डी एक्स पहला प्लस बाकी के दोनों माइनस फिर इसमें एडिंग करेंगे लिमिट है 1 से लेके 1.5 यहां पे हम नोट करेंगे, राइट वन पॉइंट फाइव तो 1.5 तो 1.5 पे सिंपल प्लस रहेगा 1.5 पॉइंट फाइव नोट करेंगे इस बार प्लस आंसर आएगा 0.5 तो प्लस रहेगा सिंपल ऐसे करके नोट करेंगे यहां पर 1.5 नोट करेंगे तो माइनस में जीरो पॉइंट फाइव आएगा यानी कि नेगेटिव है तो पहले की दो टर्म पॉजिटिव लास्ट वाली नेगेटिव तो माइनस अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस टू और लिमिट है टू से लेकर के थ्री टू से लेकर थ्री में टू पॉइंट फाइव परफेक्ट है तो टू पॉइंट फाइव यहाँ नोट करेंगे तो प्लस रहेगा टू पॉइंट फाइव प्लस वाली आपने सब्सिट्यूट करी तो प्लस प्लस रहेगा टू पॉइंट फाइव यहाँ नोट करेंगे तो प्लस का 1.5 आएगा तो इसके एडिशन में x माइनस वन यहाँ पे 2.5 नोट करेंगे तो प्लस में 0.5 आएगा तो प्लस में x माइनस टू और यहाँ पे सिंपल dx बस इन्हें आपको सॉल्व करना है ठीक है जो कटपिट होता है वो कटपिट करना है और सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप नोट करेंगे इसको भाई इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर के वन का ये वाला एक्स बिल्कुल सेम रिमेन रहेगा

X, X और X will become simple सा सा कर 3. 3 कर लेंगे तो X minus 1. तो पे पे लिखा हमने है, X minus 1 है, simple सा यहाँ पे DX है, इसको अभी रेस कर दो, इसकी क्या जरूरत है ठीक है कहानी आपको समझ आई गई है तीनों को ऐड करके सिंपल वैल्यू आ गया है थ्री अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वन यहाँ पे आप देखें ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो गया प्लस का टू है माइनस का वन है तो प्लस का वन रिमेनिंग रहेगा तो एक्स प्लस में 1 यहां पर आएगा ठीक है यहाँ तरह इसको देख लो एक बार ये वैल्यू एक्स वैल्यू एक्स कैंसिल प्लस का टू है प्लस का वन है तो भाई प्लस का टू प्लस का वन प्लस का थ्री होता है तो जीरो से वन की रेंज में अंडर ब्रैकेट में थ्री आ गया और ये वाला नेगेटिव एक्स आ गया तो थ्री माइनस एक्स ऑफ डी एक्स है फिर इसके एडिशन में वन से लेकर के टू में ठीक है वन से लेकर टू में मैंने आपको बताया था यहाँ पे आंसर सिंपल सा एक्स प्लस वन है ठीक है इसको भी ऐसे ब्रैकेट नोट करेंगे सिंपल सा डीएक्स है फिर लास्ट वाली वैल्यू से लेकर के थ्री है टू से लेकर के थ्री में थ्री है मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन है यहाँ पे सिंपल डीएक्स है तो हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है ओके जी इसका इंटीग्रेशन करना है आंसर ऑटोमेटिक अपने आप आएगा तो तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर हैं लीनियर फैक्टर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है पावर टू बाई टू होगा तो सबसे पहले आप नोट करेंगे ठीक है सबसे पहले वाली टर्म को आप नोट करेंगे इसमें दो सेकंड इसको डिवीजन कर लें तो नोट करें अब यहाँ पे ठीक है नोट करें यहाँ पे आंसर बना है थ्री माइनस एक्स की होल पावर टू डि और लिमिट आपको दिया हुआ है जीरो से लेकर के वन और ध्यान रखना है वट इज द कोफिशंट ऑफ एक्स

ठीक है भाई एक बार आप चेक कर लें इसका इंटीग्रेशन करा माइनस को डिवाइड करा स्क्वायर करके नोट कर दिया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है थ्री तो हमने कॉमन करा एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन पावर टू बाई टू ठीक है अब वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है तो सबसे पहले तो इसे आप लिखोगे वन डिवाइड बाई माइनस टू है फिर ब्रैकेट में ठीक है ब्रैकेट में पहले वन नोट होगा तो थ्री में वन माइनस करेंगे थ्री में वन माइनस करने पे टू आएगा टू का स्कोर होता है फोर जीरो नोट करेंगे थ्री माइनस जीरो यानी कि थ्री थ्री का स्कोर होता है नाइन दोनों को माइनस ब्रैकेट क्लॉस एडिंग एडिंग में वन बाय टू अलग कर लेंगे ब्रैकेट टू सब्सिट्यूट करेंगे तो टू प्लस वन का वैल्यू थ्री होता है थ्री का स्क्वायर नाइन वन नोट करेंगे टू का स्क्वायर फोर फिर माइनस टू नोट करेंगे टू माइनस वन की वैल्यू बन है वन का स्क्वायर वन ब्रैकेट क्लोज ठीक है भाई एकदम सिंपल सिंपल वैल्यू आ गई है आपके पास में तो फोर में नाइन माइनस कर दोगे तो आंसर माइनस फाइव है माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव एडिंग एडिंगीप्लाई बाय फाइव और यहाँ पर थ्री बाय टू के साथ में थ्री है ठीक है भी दोनों माइनस कट के फाइव बाय टू है यहाँ पर भी फाइव बाय टू है और यहाँ पे नाइन बाय टू है फाइव प्लस फाइव टेन प्लस नाइन नाइनटीन है डिनोमिनेटर में टू है सिंपल सा आंसर आ गया ठीक है भाई 19 बाय टू हमारे इस पार्ट का आंसर है सेकंड पार्ट का भी 19 बाय टू आंसर था इसका भी 19 बाय टू है तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है ओके जल्दी से आप इसे नोट करें फिर क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन में प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो पहले प्रॉपर्टी आपको बताएंगे फिर क्वेश्चन आपको करवाएंगे बट पहले आप इसे नोट कर लें प्रॉपर्टी वन के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पहले करवा दिए थे मोड्यूलो वाले सेकंड वीडियो और इस वीडियो में यहां तक कंप्लीट हो गए हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है और तीसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है ठीक है आपको लिखवाया था ना मैंने तीसरे टाइप का क्वेश्चन प्रॉपर्टी टू पे फोकस करेगा तो प्रॉपर्टी टू हम पढ़ेंगे बट पहले आप इसे नोटिंग कर लें सो so, आइए जी प्रॉपर्टी टू नोट करते हैं ठीक है प्रॉपर्टी टू वेरी 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 सिंपल प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी टू का नाम आप लिखेंगे रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टी वन था स्प्लिटिंग द लिमिट प्रॉपर्टी और ये है रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी ठीक है भाई अब क्या रिप्लेस करना है वो आप ध्यान से समझना ठीक है रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी तो माइंड स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी कहती है अगर आपको ए से लेकर के बी का इंटीग्रेशन करना है ठीक है ए से लेकर बी का इंटीग्रेशन करना है तो आप यहाँ पर वेरिएबल एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं सम ऑफ लिमिट यानी कि ए प्लस बी माइनस में एक्स से ठीक है भाई, वैल्यू को यू कैन रिप्लेस बाय माइनस तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू नोट करेंगे भाई, से लेके बी का लिमिट रहेगा और रिप्लेस हो जाएगा एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ पे सिंपल सा डीएक्स तो प्रॉपर्टी टू बस यही है सिंपल सी प्रॉपर्टी हम x वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से ठीक है भाई तो पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन हमें करना है क्वेश्चन नंबर नाइन का पहला जीरो से लेकर वन है ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर नाइन के फर्स्ट की बात करते हैं तो जीरो से लेकर के वन की लिमिट है और यहाँ पर एक्स के ब्रैकेट में ठीक है एक्स के ब्रैकेट में वन के माइनस में एक्स है और टोटल पावर पे आपको फाइव बाय टू दिया हुआ है ठीक है भाई टोटल पावर पे आपको 5/2 दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल सा dx है तो मैंने क्या कहा आप x वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं a b x करके तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई x की जगह पे रिप्लेसिंग कर रहे हैं सम ऑफ लिमिट 0 और 1 है सम ऑफ लिमिट 0 1 में x यानी कि x का रिप्लेसमेंट है 1 x ठीक है भाई x की रिप्लेसमेंट है x 1 तो इसका मतलब समझो मतलब समझना इसका वेरी इंपॉर्टेंट है जहां पर एक्स है वहां पे ये नोट करेंगे जहां पर ये है वहां पे ये नोट करेंगे वाई से वर्षा काम करेगा वेयर एक्स इज प्रेजेंट वहां पे वन माइनस एक्स जहां वन माइनस एक्स प्रेजेंट वहां पर एक्स ओके okay? तो आप इसको नोट करेंगे भाई जीरो से लेकर वन तो है ही है ठीक है जीरो से वन है ये वाला जो एक्स है कन्वर्ट हो जाएगा वन माइनस में और ये वाला वन माइनस एक्स एक्स में कन्वर्ट होगा पावर सेम रहेगा पावर, पावर से टर्म टर्म से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती यहाँ पे ये सिंगल टर्म है सिंगल टर्म पावर में हो चाहे सिंपल हो हंड्रेड परसेंट दो टर्म से मल्टीप्लाई हो सकती है ना वन टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई किया जा सकता है लेकिन दो ये जो दो टर्म है दो टर्म के ऊपर टोटल पावर है उसे सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता तो हमने रिप्लेस कर दिया इनको इंटरचेंज करने के लिए तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है तो आगे आप नोट करेंगे इसको ठीक है आगे नोट करेंगे x पावर 5 बाय टू वन से मल्टीप्लाई होगा सो so, जीरो से लेकर के वन में सिंपल सिंपल x पावर फाइव बाय आएगा नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन x पावर फाइव बाय टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर पे फाइव बाय टू है सिंपल सा यहाँ पे dx है दोबारा से इंटीग्रेशन जीरो से लेकर वन है x की पावर पे फाइव बाई टू है माइनस यहाँ पे पावर वन है मल्टीप्लाई है पावर ऐड हो जाएगा तो ऐड होकर के सेवन बाय टू बन जाएगा सिंपल सा यहाँ पे dx है ठीक है अब यहाँ पे x पावर n का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे तो पावर n का फॉर्मूला कहता है प्लस वन कर लो जो पावर है उसमें प्लस वन कर दो फाइव बाई टू में प्लस वन करेंगे तो आंसर सेवन बाय टू सेवन बाय टू पावर में प्लस वन करेंगे तो आंसर नाइन बाय टू तो आप आंसर लिखेंगे माइनस सेवन बाय टू वैल्यू बनी है नाइन बाय टू तो नाइन बाय टू के डिनोमिनेटर में नाइन बाय टू और लिमिट है जीरो से लेकर के वन सेवन बाय टू और नाइन बाय टू में टू और टू रेसिप्रोकल होकर के ऐसे बनेगा टू बाय सेवन तो टू बाय सेवन एक्स की पावर सेवन बाई टू माइनस में टू, टू लेके वन पहले वन नोट करेंगे फिर जीरो नोट करेंगे तो ध्यान से देखेगा बिल्कुल पहले वन यहाँ पे दोनों टर्म्स में नोट करना है तो टू बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय वन की पावर पे सेवन बाय टू माइनस में टू डिवाइडेड बाय नाइन के साथ 1 की पावर पे टू ये ब्रैकेट में रहेगा ठीक है भाई यहाँ पे टू है ये वाला ठीक है दिस इज द टू तो टू बाय सेवन टू बाय नाइन साथ में वन आ गया अब जीरो नोट करेंगे तो माइनस लगा करके जीरो आएगा टू बाय सेवन जीरो की पावर पे सेवन बाय टू माइनस में टू बाय नाइन जीरो की पावर है नाइन बाय टू ब्रैकेट क्लोज भाई देखो जीरो की पावर कुछ भी हो आंसर जीरो रहेगा। जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो होगा तो इसे नोट करने की नीड नहीं है ये आगे वाला वैल्यू पूरा जीरो है इस पे फोकस करो वन और वन की कोई भी पावर करोगे आंसर वन रहेगा यानी कि यहाँ पे आंसर है टू बाय सेवन ये है टू बाय नाइन और आगे वाली टर्म जीरो है तो बस टू बाई सेवन टू बाई नाइन को सोल्व करना है हमें ठीक है भाई एलसीएम आएगा 63 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 7 को 2 से करेंगे 14 तो आंसर बन गया 4 डिवाइड बाय 63 ठीक है भाई कितना आंसर आ गया जी 4 के डिनोमिनेटर में 63 उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है फटाफट फड़ तेजी में आप इसको कॉपी करेंगे सो so दैट हम स्टार्ट कर सकें इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई सेकंड पार्ट में भी आप समझिए टू माइनस एक्स दो टर्म है दो टर्म पे रूट है तो दो टर्म का रूट सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अगर हो जाता तो प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती हम जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा यहाँ पे टू माइनस एक्स हो जाएगा तो सिंगल टर्म दो टर्म्स के साथ जाके इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी डेट इज वाई हम इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे रिप्लेस कर देंगे जो एक्स वेरिएबल है वो इक्वल है सम ऑफ लिमिट जीरो के एडिशन में टू माइनस में एक्स यानी कि एक्स का रिप्लेसमेंट है टू माइनस एक्स तो क्वेश्चन बन जाएगा भाई जीरो से लेकर टू है ये वाली एक्स वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी टू माइनस एक्स में और ये वाला टू माइनस एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में सिंपल सा रूट रहेगा यहाँ पे सिंपल डी है आपको तो मालूम ही है जो रूट की पावर होती है वन बाय होती है तो जीरो से लेकर टू अंडर ब्रैकेट 2 x है साथ में x पावर 1/2 है और यहाँ पे dx है अब ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया फर्स्ट पार्ट में x की पावर पे 5/2 था यहाँ पे 1/2 है तो प्रोसेस सोल्व करने का बिल्कुल सेम रहेगा तो आप आगे नोट करेंगे ठीक है आप आगे नोट करेंगे ये जो पावर 1/2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा भाई जीरो से लेकर टू है टू सेम रहेगा एक्स के साथ में वन बाय टू आ जाएगा ठीक है फिर ये वन बाई टू इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है एक्स की पावर वन है मल्टीप्लाई एक्स की पावर वन बाई टू है यहाँ पे सिंपल डी एक्स वाला अभी आप सेम रहने दीजिए जीरो से लेके टू है टू मल्टीप्लाई एक्स की पावर वन बाय टू है माइनस ये दोनों की दोनों पावर कंबाइन होकर एड हो जाएगी तो यहाँ पे आप नोट करेंगे वन में एडिंग है वन बाय टू यानी कि टोटल है थ्री बाई टू तो ये बन गया है x की पावर पे थ्री बाई टू यहाँ पे सिंपल सा dx अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है दोबारा से पावर में एड वन करो तो यहाँ पे वन बाय टू है इसमें वन एड करना है ऑलरेडी हमने किया हुआ है थ्री बाय टू आंसर बनेगा तो टू सेम रहेगा x की पावर पे थ्री बाय टू है डिनोमिनेटर में भी थ्री बाई टू है माइनस साइन जो थ्री बाय टू है तो भाई थ्री बाय टू में एडिंग वन करना है आंसर बन जाएगा फाइव बाई टू तो वेरिएबल की पावर पे फाइव बाई टू डीमिनेटर में फाइव बाई टू लिमिट लिखना है जीरो से लेकर के टू ठीक है भाई जो थ्री बाई टू का टू है फाइव बाई टू का टू है वो न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होगा न्यूमिरेटर में यहाँ पे ऑलरेडी टू है तो टू इंटू टू फोर तो फोर बाय थ्री के साथ में एक्स की पावर है थ्री बाय टू माइनस टू आ जाएगा तो टू 5 के साथ x की पावर फाइव बाय टू है जीरो से लेकर के ब्रैकेट फोर बाय थ्री है फोर बाय थ्री के साथ में टू की पावर पे थ्री बाय टू है माइनस साइन फिर सिंपल सा टू बाय फाइव है और टू की पावर पे फाइव बाय टू है ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे भी टू नोट कर दिया यहाँ पे मैंने टू नोट कर दिया अब माइनस करना है तो माइनस में जीरो नोट करेंगे तो फोर बाय थ्री के साथ में जीरो की पावर पे थ्री बाय टू माइनस टू बाय फाइव के साथ में जीरो की पावर पे फाइव बाय टू ब्रैकेट क्लोज जीरो का आंसर जीरो हो जाएगा, आगे नोट इसको करने की बिल्कुल नहीं है बस इस पे फोकस करेंगे इसका आंसर क्या है ठीक है तो आपके पास ये बनेगा भी फोर बाय थ्री है फोर बाय थ्री के साथ में टू की पावर पे थ्री बाय टू है माइनस टू डिवाइड बाय फाइव है और टू की पावर पे फाइव बाई टू है और टू, टू का क्या है? तो ध्यान से देखना वन जै टू आएगा माइनस करने में वन रिमाइंडर आएगा यानी कि टू की पावर जो थ्री बाय टू है इक्वल है टू की पावर वन के एडिशन में वन बाय टू के ठीक है ना अगर इसको हम आ, डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऐसे बनेगा ये वन वन बाई टू यस और नो आपने तो बस one, one को इस के साथ सेपरेट कर दो तो टू की पावर वन हो जाएगी ठीक है टू की पावर वन और टू की पावर वन बाई टू तो टू की पावर वन और टू की पावर वन बाई टू रूट टू यानी आंसर बनेगा टू रूट टू ठीक है भाई कितना आंसर बनेगा टू रूट टू तो जो लिखा ये लिखा हुआ टू रूट टू है टू रूट टू है तो आगे आप यहाँ पे नोट करें वैल्यू बनी है माइनस तो करने टू की पावर जो फाइव बाई टू है वो इक्वल है टू की पावर टू मल्टीप्लाई बाय मतलब टू के साथ ऐसे एडिंग है टू के एडिशन में वन बाई टू ठीक है तो इसको प्लस के साथ सेपरेट करके नोट करेंगे तो टू की पावर टू है मल्टीप्लाई टू की पावर वन बाई टू है ठीक है जो प्लस है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया जो टू की पावर टू है फोर है और जो रूट है इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर बना फोर रूट टू तो जो फाइव बाई टू है वो इक्वल है फोर रूट टू के तो आगे आप नोट करेंगे भाई टू बाई फाइव है टू बाई फाइव के साथ में फोर रूट टू है आगे जीरो को नोट नहीं करना बस इसे सोल्व करना है तो आंसर बना है आपके पास रूट टू के डिनोमिनेटर में थ्री माइनस में के में फाइव ठीक तो 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 है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे रूट टू है ट्वेंटी फोर रूट टू एंडोमिनेटर में फाइव और थ्री विल बी फिफ्टीन बेसिकली हमने एलसीएम लिया फाइव थ्री थ्री के टेबल पे फिफ्टीन आता है फाइव पे तो फाइव एट फोर्टी तो फिफ्टीन में इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो ये कैलकुलेशन है टू की पावर थ्री बाई टू और टू की पावर फाइव बाई टू का आंसर क्या है इसके ऊपर आपको फोकस करना है ठीक है भाई इसी के ऊपर फोकस करिए और क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा सोलह रूट टू बाय फिफ्टीन Now, जल्दी से नोट करें।, 10 के की बात करें तो ये एक जैसे सभी क्वेश्चन जहां पे डिनोमिनेटर में दो टर्म या तीन टर्म हो उनमें से एक टर्म आपको न्यूमरेटर में लिख के दी हो तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं वही सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है ठीक है सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करने के लिए मानेंगे कि इसका जो टोटल आंसर होगा वो वन होगा ठीक है भाई सोल्यूशन में आप नोट करेंगे इसका टोटल आंसर जो है वन है सॉरी वन नहीं है आई है ये ठीक है टोटल वैल्यू आई है तो आई की वैल्यू जो है वो टू से लेकर थ्री है सिंपल सा रूट एक्स है डिनोमिनेटर में भी रूट एक्स है एडिशन में भी रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स है यहाँ पे डी एक्स है क्योंकि दोनों टर्म्स में से एक टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये रहेगी फर्स्ट इक्वेशन ठीक है भाई दोनों टर्म्स में से एक टर्म प्रेजेंट है सो दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन इसके बाद में रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है तो रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी आपको कहती है आप एक्स की जगह पे सम ऑफ लिमिट सम ऑफ लिमिट टू प्लस में थ्री माइनस एक्स कर सकते हैं यानी एक्स का रिप्लेसमेंट फाइव माइनस आप कर सकते हैं ठीक है भाई एक्स का रिप्लेसमेंट फाइव माइनस आप कर सकते हैं तो ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा ये बनेगा वैल्यू आई के इक्वल टू में चेंज करने के लिए मैं ब्लू पेन से इसको नोट करता हूँ ठीक है ये भी ब्लू पेन से लिख लेते हैं रिप्लेस कर रहे हैं रिप्लेस करने के बाद में वैल्यू आई हो गया है आई इक्वल टू में लिमिट तो सेम रहेगा टू से लेकर के थ्री जहां पे एक्स है वहां पे फाइव माइनस एक्स तो रूट में फाइव माइनस एक्स आएगा डिनोमिनेटर में ये वाला एक्स है तो ये भी रूट में फाइव माइनस एक्स आएगा जहां पे फाइव माइनस एक्स है वहां पे एक्स आएगा यहाँ पे सिंपल डी एक्स आएगा ठीक है भाई, का करा, करा, x की 5 -X, करा, 5 x की की जगह जगह पे simple x नोट करा। अब आप यहां पे सेकंड टर्म अब आपके सामने न्यूमिरेटर में आ गया क्वेश्चन में दोनों टर्म्स में से जो टर्म दिया हुआ था दूसरे वाली वैल्यू में दोनों टर्म्स में से अनदर टर्म आपके न्यूमिनेटर में आ गया तो नाउ दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन ठीक है भाई ये जो रहेगा आपका सेकंड इक्वेशन रहेगा अब आप इन दोनों इक्वेशन को एडिंग कर देंगे ठीक है भाई एडिंग फर्स्ट एंड एंड थर्ड सॉरी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड ठीक है इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एडिंग करना है तो आई प्लस आई ठीक है भाई आंसर आप नोट करेंगे आई प्लस में आई तो आई के एडिशन में ये ब्लू वाला आई करा इसकी टोटल वैल्यू इक्वल है टू से लेकर के थ्री पहले इसको नोट कर रहे हैं टू से लेकर के थ्री रूट ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एक्स के एडिशन में रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स डी एक्स एडिंग करना है आपको फिर ब्लू वाला ब्लू वाला है टू से लेकर के थ्री अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स के एडिशन में रूट एक्स यहाँ पे सिंपल सा डीएक्स ठीक है भाई तो ये वाले दोनों i और i विल बिकम टू आई तो आगे आप नोट करेंगे भाई जो i और i है वो टोटल मिला करके टू आई हो गया है तो टू आई का वैल्यू इक्वल है यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे भी रूट एक्स है यहाँ पे भी रूट एक्स है ये रूट फाइव माइनस एक्स है ये रूट फाइव माइनस एक्स है, यह है। यहाँ पे भी प्लस का साइन है यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो दोनों बातें तो दो बराबर है माई डियर स्टूडेंट्स यस और नो दोनों की दोनों बातें तो बराबर हैं चाहे टू प्लस थ्री लिखे या थ्री प्लस टू लिखे बात तो बराबर ही है तो यह वाली बात भी बराबर है, तो सेम है तो हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर आपके पास में सिंपल सा रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स है डिनोमिनेटर में चाहे आप इसे नोट करो चाहे इसे नोट करो दोनों बातें बराबर है है ना भाई तो फर्स्ट इक्वेशन वाला हम नोट कर देते हैं। दोनों, सेम है। फ्रेंड्स, दोनों सेम है अगर दोनों सेम है तो कट के वन हो गए हैं तो टू आई का जो आंसर है इंटीग्रेशन में लिमिट टू से थ्री पे वन डीएक्स आपको करना है वन का जो आंसर है वो एक्स होता है लिमिट टू से थ्री रहेगा थ्री सब्सिट्यूट करेंगे टू सब्सिट्यूट करेंगे माइनस कर देंगे आंसर वन बनेगा ये जो वन आंसर है टू आई का है ठीक है टू आई का वैल्यू आई है तो कह सकते हैं आई का वैल्यू वन बाय टू है तो बिना कुछ करे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर टू हमने यूज करा और क्वेश्चन को सिंपल हमने सोल्व कर लिया आंसर इज वन बाई टू ठीक है तो कहीं कोई डाउट है आपको मुझे बताएं आसान है ना ये कहीं थोड़ा थोड़ा डाउट है टेंशन पार्ट करते हैं आपको और समझ आएगा ठीक है पहले इसको नोट कर लो फिर सेकंड करते हैं देखिए जी के सेकंड में भी आप फोकस करके समझो कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में से एक टर्म आपके न्यूमिनेटर में लिख के दिया हुआ है तो सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है रिप्लेस करना है रिप्लेस करने से पहले मान लेना है इसका वैल्यू आई है ठीक है भाई बिफोर रिप्लेसिंग आपको मान लेना है इसका वैल्यू आई है तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे इसका वैल्यू आई है तो आई के इक्वल टू में इंटीग्रेशन है टू से लेकर के एट टू से लेकर के एट में ये मैंने यहाँ पे डिवीजन साइन लगाया इसे नोट करेंगे तो क्यूब रूट आई ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन है डिनोमिनेटर में भी क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन है फिर एडिंग साइन क्यूब रूट है क्यूब रूट ऑफ ये वाले टर्म वन माइनस एक्स है यहाँ पे सिंपल डी एक्स है नोट हो रखी है तो पहली इक्वेशन है ठीक है भाई दो टर्म्स में से एक टर्म्स नोट हो रखी है तो पहली इक्वेशन है इसके बाद हमें रिप्लेस करना है एक्स की जगह पे सम ऑफ समू प्लस में एट है और माइनस करना है एक्स तो x की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा 10 x ठीक है भाई वैल्यू x की जगह पे आपको रिप्लेस करना है 10 x अब जरा ध्यान से सोचो x की जगह पे 10 x लिखना है लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको x तो लिख के दिया नहीं हुआ मतलब टोटल मिला करके x 1 लिख के दिया हुआ है ठीक है ना टोटल मिला के आपको x 1 लिख करके दिया हुआ है तो काम करो यहाँ पे एडिंग 1 कर लो ठीक है भाई एडिंग 1 ऑन बोथ साइड दोनों तरफ आप वन ऐड कर लो ठीक है भाई दोनों तरफ आप एडिंग वन कर लो तो ये वाला आंसर हो जाएगा x प्लस वन का रिप्लेसिंग टेन माइनस एक्स सेम रहेगा एडिंग वन तो वैल्यू बनी है x प्लस वन का जो रिप्लेसिंग है ठीक है x प्लस वन का जो रिप्लेसिंग है कुल मिलाकर के इलेवन माइनस एक्स है ठीक है भाई x प्लस वन का जो रिप्लेसिंग है कुल मिलाकर के इलेवन माइनस एक्स है और साथ में ही क्वेश्चन को भी करेक्शन करो यहाँ पे इलेवन ही है ये ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 11 नहीं दिया हुआ है तो अब आप समझ गए हैं जहां पर x plus 1 होगा वहां पे 11 minus x लिखेंगे जहां पे 11 minus x है वहां पे x plus 1 करेंगे रिप्लेसिंग x plus 1 की जगह पे x plus 11 11 minus x की जगह पे x plus 1 सिंपल सी बात है ओके तो नाउ फटाफट से रिप्लेसिंग कर देते हैं ओके तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ठीक है इसके आगे नोट करेंगे अभी वैल्यू आई जो है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन है टू से लेकर के एट टू से लेकर के एट है क्यूब रूट है क्यूब रूट के साथ में एक्स प्लस वन है क्यूब रूट के साथ ये एक्स प्लस वन है यहाँ पे इलेवन माइनस एक्स आएगा एडिशन साइन क्यूब रूट है क्यूब रूट में इलेवन माइनस एक्स है इलेवन माइनस एक्स के जगह पे सिंपल सा एक्स प्लस वन आएगा यहाँ पे सिंपल डी एक्स है ठीक है भाई अगर आपको डाउट है कि सर क्यों वन ऐड किया गया यहाँ पे वाई वन ऐड करा देखो भाई पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी x की जगह पे आंसर बना 10 माइनस एक्स लेकिन x को यहाँ पे सब्सिट्यूट करने से बेनिफिट हमें ज्यादा मिल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस वन है यहाँ पे भी x प्लस वन है तो मैंने क्या करा वन दोनों तरफ ऐड कर दिया यहाँ पे वन ऐड करा x प्लस वन आ गया यहाँ पे वन ऐड करा इलेवन आ गया तो जहां पे x प्लस वन है वहां पे इलेवन माइनस एक्स नोट कर दिया जहां पे इलेवन माइनस एक्स है वहां पे x प्लस वन नोट कर दिया ऐसे करने से क्या हुआ ये दो टर्म है दोनों टर्म्स में से जो दूसरे वाला टर्म था वो न्यूमरेटर में आ गया क्योंकि पहले दोनों टर्म्स में से पहला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ था तो अब दोनों टर्म्स में से दूसरा टर्म भी आ गया तो नाउ दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन ठीक है ये कंसेप्ट यही कहता है दो इक्वेशन आएंगी दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब आप एडिंग कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को ठीक है अभी फर्स्ट एंड सेकंड को अब आप एडिंग कर दो तो i प्लस आई लिख देंगे हम यहाँ पे सिंपल i प्लस आई आई प्लस आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन है टू से लेकर के एट पहली इक्वेशन है क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन के डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ सिंपल एक्स प्लस फिर एडिशन में क्यूब रूट ऑफ इलेवन माइनस में एक्स ऑफ डी सेकंड इक्वेशन है टू से लेकर के एट क्यूब रूट ऑफ इलेवन माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ इलेवन माइनस एक्स के एडिशन में क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस में वन यहाँ पे सिंपल सा डी ठीक है भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वैल्यू डायरेक्ट एड हो जाएगा डायरेक्ट एड होने का मतलब है आप लिखेंगे टू है 2i का वैल्यू जो है वो 2 से लेकर 8 है तो टू से लेकर एट में पहले ये नोट होगा तो क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन है फिर एडिंग साइन ये वाला वैल्यू आएगा क्यूब रूट ऑफ इलेवन माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आपका चॉइस है चाहे इसको नोट करो चाहे इसको नोट करो बात बराबर है तो इसे नोट कर देते हैं ठीक है भाई क्यूब रूट ऑफ इलेवन माइनस एक्स के एडिशन में क्यूब रूट ऑफ सिंपल एक्स प्लस वन और यहाँ पे आ गया है डी एक्स ठीक है भाई तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है दोनों आपस में कट हो जाएगा कट होने का मतलब है आंसर वन हो गया है तो जो टू आई का आंसर है वो इक्वल है टू से लेकर के एट पे वन का इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स आएगा लिमिट है टू से लेके एट एट सबसे पहले फिर टू दोनों को माइनस आंसर आ गया सिक्स तो माइंडियर स्टूडेंट जो सिक्स है वो टू आई का आंसर है यानी कि आई का वैल्यू सिक्स बाई टू थ्री है तो बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया है आई इक्वल टू थ्री ठीक है सेम कैटेगरी के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है ओके भाई डिनोमिनेटर में से एक टर्म प्रेजेंट होगा रिप्लेस करने के बाद डिनोमिनेटर में से दूसरा टर्म आ जाएगा दोनों को एडिंग कर देंगे वैल्यू कट हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा कहानी बिल्कुल सिंपल रहेगी ठीक है तो जल्दी से आप इसे नोट करें फिर थर्ड पार्ट करते हैं देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में भी आपको रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है और बिफोर अप्लाइंग रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी एज्यूम कर लेना है इस टोटल इंटीग्रेशन का वैल्यू वन बनेगा अरे वन क्यों बोलता हूँ आई बनेगा कैपिटल आई बनेगा ठीक तो है तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे आंसर इसका आई है तो इंटीग्रेशन आई का वैल्यू जो है वो माइनस वन बाय फोर से लेकर के वन बाय फोर है और सिंपल एक्स पावर टू के डिनोमिनेटर में वन प्लस में इक्स है यहाँ पे सिंपल सा डी एक्स है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब रिप्लेसिंग करना है तो एक्स का रिप्लेसमेंट लिमिट माइनस वन बाय फोर में एडिंग है वन बाय फोर माइनस एक्स होगा दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी तो एक्स का रिप्लेसमेंट नेगेटिव एक्स है यानी कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहां पे आपको नेगेटिव x लिखना है तो बनेगा भाई I इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन माइनस वन बाय फोर से लेकर के 4, ये x है, तो बन माइनस एक्स की होल पावर टू डिवाइड बाय वन सेम रहेगा एडिंग सेम रहेगा e की पावर पे नेगेटिव x है यहाँ पे सिंपल सा dx है ठीक है i इज इक्वल टू में माइनस वन बाय फोर से लेकर के वन बाय फोर नेगेटिव एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में वन है एडिशन है ये वाला वैल्यू सेम रहेगा तो ई नेगेटिव एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है जरा आप मुझे चेक करके बताइए और सोच के बताइए क्या डिनोमिनेटर पहले डिनोमिनेटर से मैच हुआ आप कहेंगे नहीं हुआ पहले में प्लस वैल्यू था अभी नेगेटिव वैल्यू है तो इस नेगेटिव वाले को चेंज करना पड़ेगा हाउ टू चेंज कैसे चेंज करेंगे बाई टेकिंग द रेसिप्रोकल ठीक है चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर बन जाएगा भाई से लेकर के आएगा और यहा डी ठीक है और सिंपल सा डीएक्स है ये वाला जो ई एक्स है यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला ई एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दो जगह मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन आई का वैल्यू जो है माइनस वन बाई फोर से प्लस वन बाय फोर है एक्स पावर टू के साथ में ई एक्स है डिनोमिनेटर में भी ई एक्स एडिशन वन है यहाँ पे डी एक्स है क्या अब डिनोमिनेटर पहली इक्वेशन से मैच हो गया आप कहेंगे यस yes सर हो गया यहाँ पे वन प्लस ई एक्स है यहाँ पे भी वन प्लस ई एक्स है भले ही वो ई एक्स प्लस वन है लेकिन बात सेम है तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर टू नाउ दोनों को एडिंग करना है तो एडिंग फर्स्ट सेकेंड ठीक है भाई फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i प्लस में i का जो आंसर है वो माइनस वन बाय फोर से प्लस वन बाय फोर फर्स्ट इक्वेशन x पावर टू के डिनोमिनेटर में वन प्लस में ई एक्स है और सेकंड इक्वेशन माइनस वन बाय फोर से लेकर के वन बाय फोर पे x पावर टू इन में ई एक्स के डिनोमिनेटर में वन प्लस में ई एक्स है और यहाँ पे सिंपल डी है ठीक है जी दोनों का डिनोमिनेटर एडिंग करेंगे इसको भी एडिंग करेंगे तो दिस इज द टू आई तो टू आई का वैल्यू जो है माइनस वन बाय फोर से लेकर के वन बाय फोर है दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो बातें बराबर हैं तो वन प्लस ई एक्स आ गया फिर इसे नोट करेंगे एक्स पावर टू फिर इसे नोट कर देंगे एक्स पावर टू इन टू में ई एक्स और यहाँ पे सिंपल डीएक्स ध्यान से न्यूमरेटर पे फोकस करो एक्स पावर टू कॉमन आता है यस और नो एक्स पावर टू कॉमन आता है तो आगे आप नोट करेंगे भाई 2i 2i यहाँ पे वन बाय फोर है एक्स पावर टू कॉमन करा विद इन ब्रैकेट प्लस में विद्रेक्स है और डिनोमिनेटर में में भी प्लस है यहाँ पे सिंपल डी एक्स है ये दोनों की दोनों वैल्यू कैंसिल ठीक है भाई दोनों की दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई अब सिंपल एक्स पावर टू रिमेनिंग है तो यू नो वेरी वेल एक्स पावर टू का इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री बाय थ्री होता है है ना भाई तो आप नोट करेंगे जो टू आई का आंसर है वो सिंपल एक्स पावर थ्री डिवाइड बाय थ्री है लिमिट नोट करेंगे माइनस वन बाय फोर से लेके वन बाय फोर थ्री को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्स इंटू आई का जो आंसर है वन बाय फोर है दोबारा से सिक्स इंटू आई का आंसर वन बाय फोर सब्सिट्यूट करेंगे तो वन बाय फोर पावर थ्री माइनस माइनस वन बाय फोर पावर थ्री होगा ठीक है पहले वन बाय फोर फिर माइनस वन बाय फोर बीच में माइनस तो आंसर बनेगा आपके पास में सिक्स आई इक्वल टू में वन डिवाइड बाय 64 माइनस में विद इन माइनस वन डिवाइड बाय 64 माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस होगा तो आप नोट करेंगे भाई सिक्स आई का जो आंसर है वो वन डिवाइड बाय सिक्सटी के एडिशन में वन बाय है तो सिक्स का जो आंसर है वो टू बाय है टू वन जा है और टू थ्री सिक्स है तो आई का जो आंसर है वन के में है है तो आई का जो आंसर, तो आंसर उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन टेन के तीनों पार्ट्स आपको समझ आए पहले के दो पार्ट्स में सिंपल सिंपल डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मैच करके देखा इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी थी यानी कि एक मतलब ये वाली दोनों सेम सेम है एक माइनस है एक प्लस है तो ऐसे क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी यूज होती है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई है देखिए जी क्वेश्चन थ्री जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपको चेक करना है माइनस ए से ए दिया हुआ है यस और नो आपको माइनस वन से वन माइनस ए से ए दिया हुआ है तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आप यहाँ पे नोट करेंगे ठीक है पहले आप नोट करेंगे इसका वैल्यू आई है तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप आई है आई के इक्वल टू में माइनस वन से वन लोग के साथ में टू माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में टू प्लस एक्स है ब्रैकेट को क्लोज कर दिया फिर हमें रिप्लेसमेंट करना है एक्स की जगह पे माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स करेंगे यानी एक्स की जगह पर माइनस एक्स करेंगे ठीक है x का जो रिप्लेसमेंट है माइनस में x हो जाएगा बिकॉज माइनस वन प्लस वन विल बी जीरो पर लिखना है तो i इज इक्वल टू में 1 से लेकर वन पे लोगेदम है लोगरिदम के ब्रैकेट में टू ये जो माइनस एक्स है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे डी एक्स ठीक है भाई ये है इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू दोनों इक्वेशन को एडिंग कर देंगे तो एडिंग वन एंड टू ठीक है भाई एडिंग वन एंड टू तो आई प्लस आई आ जाएगा साइड पे, ठीक है मैं बताओ सेकंड लिख रहा था है रोमन नंबर्स लिख रहा हूँ बताओ मैं आई में आई प्लस करना है इक्वल टू में माइनस वन से वन पे माइनस वन से वन पे लोगेरिदम ऑफ टू माइनस एक्स के डिनोमिनेटर पे टू प्लस एक्स है एडिंग साइन सेकेंड इक्वेशन का लोगेरिदम 2 प्लस एक्स के डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स है ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे सिंपल सा dx ठीक है भाई आपको याद है लोगेरिदम का जब कोफिशियंट सेम होता है तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पे लोगेरिदम का कोफिशियंट वन है यहाँ पे वन है तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आई प्लस आई विल बी तो टू के इक्वल टू में माइनस से वन पे लोगेरिदम ऑफ टू माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में टू प्लस एक्स है मल्टीप्लाई तो यहाँ पे टू आई का वैल्यू माइनस वन से लेके वन माइनस वन से लेके वन पे लोग गरीदम है वन है यहाँ पे डी एक्स है आपको तो मालूम है लॉग वन जीरो होता है तो आंसर बना है टू आई इक्वल टू में जीरो अगर टू आई जीरो है जीरो, का था। आंसर आ गया इसका जीरो। तो अब आप मुझे बताइए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इसके पहले से पहले वाले वीडियो में बोला था कि दो ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे की यानी की पूरे चैप्टर इस वाली एक्सरसाइज में ओनली दो प्रॉपर्टी यूज करा पहली प्रॉपर्टी पे दो टाइप के क्वेश्चन करे दूसरी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हमने आपको करवाए एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया यस और नो तो माय डियर स्टूडेंट्स जैसे हमने आपको ईमानदार जानदार तरीके से पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करवाई है आप लोग भी ईमानदार तरीके से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता सब आपके सामने आते हैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट चौथा पार्ट पांचवा पार्ट आपको कुछ समझ नहीं आता कि भैया हो क्या रहा है पहले क्वेश्चन में दूसरा प्रॉपर्टी दूसरे क्वेश्चन में दूसरा प्रॉपर्टी तीसरे क्वेश्चन में तीसरा प्रॉपर्टी दिमाग खराब हो जाता है तो जैसे हमने ईमानदार तरीके से आपको पढ़ाया आप भी ईमानदार तरीके से वीडियो को शेयर करें